चलो गरमान। बढ़िया 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 बढ़िया। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और दोस्तियों, मेरे पंटर और पंटरियों, मेरे झंप और झंपियों, मेरे तोड़ और तोड़ियो, बटल हा ए भाई, मेरे बाल देख उड़ रहे क्या, कुछ अलग ही दिख रहा है उसमें। अभी थोड़ा क्रोमा चेंज कर रहे। भंगार है, चेंज कर। कितना परसेंटेज है वो, कितना परसेंट नहीं रे, उधर मत देख, वो उधर नहीं, टीवी में देख, वो कैमरे में देख, प्रोजेक्टर में। वैसे आधा कुछ समझ में नहीं आ रखा है। क्रोमा कितना है? 4 4 13। एक काम का 399 कर। ये क्या है बेवड़ा, क्या कर क्या रहे, क्या हुआ क्या? ये 399 है, 400 है, 390 कर। वापस चेंज है 3। हाँ एक सेकेंड, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है यार। बोलो एक मिनट, ऑनलाइन बैठ लो एक सेकेंड खाली, बस एक मिनट। हुआ क्या, चेंज क्या किया तेरा? ये मोस्ट पावरफुल वेपन को बाद में देखते हैं, पहले तो मेरा कैमरा का ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना? वो बाल जा नहीं रहा ना? हाँ ठीक है डन। ओके मालिक, सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मालिक, गुड इवनिंग। होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की, तो जो तोड़ नहीं कर रहे ठीक है भाई, जिंदगी में तो कुछ तो कर रहा होगा। तो जैसे ही है मालिक, ओके आशा करता हूं कि आपका दिन अच्छा गया होगा, और दिन को आगे बढ़ाते हुए और दिन के आखिरी पड़ाव पे लेते आते हम वापस आ जाते हैं अपने अगले पेपर पे और लास्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो मालिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, ओके मैंने जो जो कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है, ओके मैं एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश मारता हूं पहला चीज, उसके बाद मैं पॉइंटर्स जो लिखाने, मैं पॉइंटर्स लिखाता हूं, ओके जो आपको याद रखने चाहिए, आपने ध्यान रखने चाहिए। उसके बाद एक बार थोड़े से नोट्स में से जो जो मेरे को रीड करवाना है वो रीड मैं करता हूं। आपने किए होंगे तो इट्स ओके, नहीं भी किया तो भी मेरे लिए वो करवाना जरूरी है, जिसमें मुझे हाईलाइट करवाना है, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर कल बताया। और इसके बाद और एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट और एक आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन बैंक। तो अपन उसके बाद क्वेश्चन बैंक पे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू के है वो करते हैं, कुछ क्वेश्चन थ्योरिटिकल है वो करते हैं, और कुछ डिस्क्रिप्टिव है वो पोर्शन में अपन कवर करते हैं मालिक। तो मेरा पहला पड़ाव, ओके जो जाता है मेरे ख्याल से सबको याद होगा, ओके व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के दो डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और एक डेफिनेशन है प्रोसेस है। लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का मतलब माना जाएगा एक, क्या मैनेजमेंट का मतलब क्या माना जाएगा, एक प्रोसेस विच इज इन्फ्लुएंस्ड और बैक्ड बाय पावर, पावर है, कॉम्पिटेंस है, ओके इस प्रोसेस को हम मैनेजमेंट बोलते हैं इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके बाद वर्ड आता है स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी को नाम दिया गया था लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, ओके जहां पर ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड इमेज, डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन ये डिफाइन किया जाता है। ओके यहां पर आपको और दो नाम के साथ में और कुछ डेफिनेशन मिले होंगे अगर किसी ने पढ़ाई की होगी तो, लेकिन वो डेफिनेशन पे आज चर्चा मत करिए जब तक चैप्टर फोर्थ उन जो बंदों के नाम है उनकी जब तक स्ट्रेटजी समझ में नहीं आती तब तक वो डेफिनेशन कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ओके तो अपन वो नाम को थोड़ा सा लेटर ऑन देखेंगे, भले ये वो आप रीड कर लोगे, रीड करके रखो, लेकिन रटने की प्रक्रिया अभी मत डालो उसमें। ये होने के बाद अपन कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन में, जिसमें अपन ने डेफिनेशन को क्लोज किया था कि एक मैनेजरियल प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं, हम
विजन बनाते हैं, हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके बाद हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लेके एडजस्टमेंट करते हैं इवैल्यूएट करके। ये होने के बाद मैंने आपको कल 3 क्वेश्चन और करवाए थे, जहां पर पहला डिस्कशन था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बताया कितने ऑब्जेक्टिव्स है, 2। पहला पॉइंट है क्या करना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एंड सेकंड पॉइंट टू अडैप्ट द चेंजेस, याद रहेगा मालिक। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बेनिफिट्स, कितने बेनिफिट्स है, 7। सबसे पहले क्या देता है, डायरेक्शन। सेकंड सिनेरियो क्या देता है, प्रोएक्टिव। तीसरा पॉइंट क्या करता है, फ्रेमवर्क देता है, याद है स्टेप्स वाला पॉइंट। चौथा सिनेरियो मेरे लिए क्या है, फेस द फ्यूचर, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन क्या था, अपॉर्चुनिटीज। पांचवा सिनेरियो क्या देता है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, गलती होने से रोकेगा, गलती होने से रोकेगा और मेरे बिजनेस को लंबा करेगा, लॉन्गिटिविटी। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट था आपको याद है, कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। मेरे ख्याल से आपको कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्चुअल मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा उसके आंसर्स क्लियर होंगे, लेकिन मेरे लिए एटलीस्ट अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है, तो आप ऐसे सरप्राइज नहीं होने चाहिए, अरे क्या होता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ओके, या आपकी मर्जी से फेकोलॉजी भी करो तो रिलेवेंट हो। तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज अगर मैंने अभी आज के डेट में बोला कि मेरे को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, तो आप फेंकोगे भी तो क्या फेंकोगे, एवरेज से ज्यादा। कौन से एवरेज से ज्यादा, इंडस्ट्री एवरेज। और इंडस्ट्री एवरेज में भी ज्यादा, मैंने इंडस्ट्री एवरेज कैसे निकालना वो भी समझाया है। मालूम पड़ा इंडस्ट्री एवरेज आप निकालने बैठे तो 2% वाले निकालोगे, मैक्सिमम जिंदगी में एवरेज नहीं आएगा। ओके, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 5 जन को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, नहीं। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज सिर्फ किसको रहता है, 1, देयर इज नो अदर पर्सन, बात खत्म। ओके, और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आने के लिए मेरे पास क्या होनी जरूरी है, कोर कॉम्पिटेंसी। क्या कोर कॉम्पिटेंसी इंडिविजुअल के कुछ फीचर्स है, नहीं। इंडिविजुअल के ऐसे कलेक्टिव फीचर्स करोगे, कितने फीचर्स, कितने फैक्टर्स, 5 से लेकर 15, यानी कम से कम मुझे कितने फैक्टर्स चाहिए, 5। अगर आप बोल रहे मेरे पास 3 है तो कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो खाली कॉम्पिटेंसी है और कॉपी हो सकती है, फटाफट कॉपी हो जाएगी और तुम्हारी लग जाएगी। तो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी बनानी है तो कम से कम कुछ अलग चाहिए, कितनी चीजें अलग चाहिए, 5, और मैक्सिमम कितनी अलग हो सकती है, 15। मैंने आपको बताया था अगर आप बोल रहे 25 अलग है, तो 25 अलग में से ना आप कुछ तो 10 ऐसी चीजें ले रहे होंगे जो एक्चुअली चाहिए नहीं, आप खाली चोमू बना कर रहे हो। ओके, ये लॉजिक आता है। तो कोर कॉम्पिटेंसी वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। ओके, कोर कॉम्पिटेंसी में याद रखना। ओके, कोर कॉम्पिटेंसी किसकी होती है, पर्सन की या ऑर्गेनाइजेशन की, ये प्लीज याद रखना। अगर मैं बोल रहा हूं विनोद सर की कोर कॉम्पिटेंसी है, विनोद सर बहुत भारी पढ़ाते हैं, ये कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। ओके, कॉम्पिटेंसी है। तो विनोद सर की कोर कॉम्पिटेंसी करने के लिए विनोद सर अकेले नहीं लोगे आप, मेरे को बताओ, विनोद सर अकेले नहीं लेंगे। क्या ये ऑनलाइन मैटर करता है, यस। क्या ऑनलाइन सपोर्ट मैटर करता है, यस। क्या आपको लगता है बुक्स डिलीवर टाइम पे करना, ये भी मैटर करता है, यस। तो ये सब मिलके आप बोल सकते हो कोर कॉम्पिटेंसी है। तो अगर अपन कभी भी बात करेंगे तो आपको ये सारी चीजें होनी जरूरी है। इज दैट पॉइंट क्लियर। मैं वापस बोल रहा हूं, मैंने कोई कोर कॉम्पिटेंसी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, ऐसा कोई इंटरप्रिटेशन करो मत। अपन जब चैप्टर में जाएंगे जाएंगे भाई, बहुत आराम से, घाई मत करो भाई अपने पास भाई, जित बॉस बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहते हैं। बस ये बेस रेडी करना था, जिससे आपको 7वां डेफिनेशन, मतलब 7वां इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम समझ में आया। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम में 7वां इंपॉर्टेंस क्या था बेटा, कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो अगर मैंने 5 स्टेप फॉलो किए, 5 स्टेप बोल रहा हूं मैं, समझ में कुछ आ रहा है क्या, 5 स्टेप फॉलो किए तो मेरे को फायदा क्या होगा, 7वां फायदा क्या होगा, ये 5 स्टेप फॉलो करने से मेरी क्या बनेगी, कोर कॉम्पिटेंसी, और वो मुझे क्या ला के देगा। ओके, इसके 100% मेरे को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आएगा क्या, 100% गारंटी है क्या, मैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट फॉलो किया तो 100% मेरे को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा क्या, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस है। ओके, मैंने आपको कल समझाया था, लिमिटेशन बोला या डिसएडवांटेज बोला, दोनों में फर्क होता है वर्ड बेटे। अगर मैं बोल रहा हूं डिसएडवांटेज है ना, मैं कुछ रिसोर्स लगा के, कुछ पैसा लगा के वो डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल, लिमिटेशंस को आप निकाल, तो कितने लिमिटेशंस पड़े आपने, 4। पहला लिमिटेशन जो तेरे हाथ की बात नहीं है, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसा है, कॉम्प्लेक्स, और एक शब्द टर्बुलेंट, 2 वर्ड याद रखना, क्या वर्ड था, एक कॉम्प्लेक्स और क्या टर्बुलेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्बुलेंट, टर्बुलेंट मतलब चेंजेस बार बार होते हैं, झटके बार बार देता है। ओके, मेरे को बताओ एनवायरमेंट में क्या, कस्टमर एनवायरमेंट में आता है, यस। अरे तेरा मन किया तू यार, तेरी रिक्वायरमेंट चेंज करेगा यार, आज तेरे को पिज्जा पसंद है लेकिन साला कल ऐसा माहौल आ जाए जहां पर बोला जाए कि चीज इज नॉट हेल्दी, डोंट यू थिंक इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा आ सकता है मार्केट पे, खत्म यार। मेरे को कस्टमर के हिसाब से देखना होगा। क्या गवर्नमेंट पॉलिसी भी मैटर करती है मेरे लिए, ओके, क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स को डिसाइड करके मैं स्ट्रेटजी लेता हूं, ओके, बाद में क्या ऐसा हो सकता है वो एनवायरमेंट की वजह से स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़े, यस। इसको हमने कौन सी स्ट्रेटजी बोली थी, रिएक्टिव, कौन सी बोली थी बेटा, रिएक्टिव। अच्छा, प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, कौन सी बेटर, प्रोएक्टिव। अगर मैंने बोला इन दोनों में से कौन सी बेटर,
लेकिन अगर मैंने खाली जनरल पैरेलल में पूछा आपसे कौन सी स्ट्रेटजी बेटर, ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, ये ध्यान रहेगा मालिक, ठीक है ओके। लिमिटेशन का दूसरा लिमिटेशन और क्या था, सबसे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या था, एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। मेरे को बताओ टाइम कंज्यूमिंग का कारण क्या, मैंने बताया, मैंने आपको बताया था क्या एसएम जब बनाएंगे, जब पांच स्टेप फॉलो करेंगे, आत्मा सुन, जब पांच स्टेप फॉलो करेंगे क्या अपन एग्जिस्टिंग धंधा बंद करेंगे, नहीं, तो अब वो पांच स्टेप के चक्कर में क्या होगा मालूम है क्या, वो एग्जिस्टिंग धंधे पे भी इंपैक्ट करेगा। तो अब मेरे को बताया एग्जिस्टिंग धंधे पे ध्यान देने का या नई स्ट्रेटजी पे ध्यान देने का, एसएम तो क्या करेगा नई स्ट्रेटजी पे, लेकिन उसका इंपैक्ट किधर आएगा, तो अपन क्या करेंगे, अपन वो स्ट्रेटजी को थोड़ा डिले करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग धंधा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, बस उस चक्कर में अपने लिए प्रॉब्लम आती है और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट होने में टाइम लग जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है मालूम क्या, टाइम लग जाता है और साला एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, तो जब तक तू स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करेगा तब तक नगेश भाई साहब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तब तक ऑल टुगेदर नया स्ट्रेटजी बनाना का टाइम आ जाएगा ओके। सो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तीसरा सिनेरियो मेरे को बताओ क्या है, कॉस्टली। कारण क्या बताया था मैंने इसमें, कारण क्या बताया था, कॉस्टली क्यों है मेरे को बताओ, अगर स्ट्रैटेजिक में एनालिसिस मैं ही कर सकता था तो अभी तो जो स्ट्रैटेजी होती वही बेहतर होती, मेरा मतलब यार मेरी क्वालिटी कहीं ना कहीं कमी है ना यार, तो मुझे कौन लगेगा, मुझे कौन लगेगा बेटा एक्सपर्ट, सारी आत्मा क्लियर है ना मेरे ख्याल से, इधर और उधर वाले भाई पंडर लोग बात कर रहे हो ना कि नहीं, नहीं आपस में नहीं मेरे से कर रहे ना, ऐसा मतलब मेरे को तुम्हारी ऐसे शक्ल ऐसा दिखना चाहिए भले तुम्हारी आवाज नहीं निकले, लैग नहीं, उधर आवाज आएगा सर, वॉइस नहीं आ रही है पंटर लोग ऐसे छेड़ रहे हो भाई, ऋषभ भाई मजाक कर रहे हो, ऋषभ भाई सीरियसली मत लेना, मां कसम मार डालोगे मेरी, ऋषभ जी नहीं, नहीं भाई चोपड़ा भाई साहब, चोपड़ा, चोपड़ा जी नमस्कार, बाजीगर में आपने तोड़ मिले थे मालिक ओके। तो भाई साहब तो अब बात आती है लास्ट पॉइंट की जिसमें अपन ने डिस्कस किया था, मैं अगर कुछ स्ट्रेटजी बना रहा हूं क्या मेरा कंप्यूटर ऐसे ही बैठा रहेगा, नहीं वो भी तो स्ट्रेटजी बनाएगा, और अगर आपको टेक्निकली याद होगा वो जो स्ट्रेटजी बनाएगा क्या वो मुझे मालूम पड़ेगी, तो मेरे को बताओ कैसे मैं रिएक्ट करूं या कैसे मैं प्लान करूं, और जो भी मैं प्लान करूंगा कहीं ना कहीं उसकी काउंटर स्ट्रेटजी वो बना देगा, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा एक छोटा सा, कभी आपने मूवीज देखी होगी, आपको पता है मूवीज में सामने वाले के इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम अपना आदमी प्लान करते हैं, देखा है क्या कभी, अब बहुत सारी मूवीज में आता है, अभी ऐसे कोई मूवीज याद नहीं आ रही है पर होता है ओके। कोई तो ऐसे ए क्या मारा मारी कर रहे, किसको प्रॉब्लम है, जा गले मिल, आगे गले मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन निकल चुके हैं, ए भाई इधर ध्यान दे रहे, मारा मारी मत कर रहे, अच्छा ना रहता रे, थोड़ा सा डिसेंसी, थोड़ा सा डिसेंसी, मैं जानता हूं आप बोलोगे सर आप देखो अपने आप को, मैं देखता हूं अपने आप को ओके सर, सर 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 ध्यान रखिए मालिक ओके। तो अपने को अपने आपको देखने के बाद अपने को समझ में आता है कि अपन डिसेंट है, लेकिन थोड़ा अलग तरह से डिसेंट है। तो कहानी को थोड़ा सा बढ़ाते हुए चौथा पॉइंट ये है, सामने वाले की स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, इज दैट पॉइंट क्लियर, मेरे ख्याल से इधर तक सब लोग कंट्रोल में है। तो अगर मैं बात करूं ना, आप इमेजिन करो जितना अपन कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं, ऑलमोस्ट चैप्टर उनका आधा खत्म है, चैप्टर उनका आधा खत्म है, और मैं आपको बता रहा हूं दिस इज ओनली रिक्वायर्ड दैट स्टेबिलिटी, अब अपने को खाली क्वेश्चन क्रैक करना आना चालू होना चाहिए दूसरी चीज, और तीसरी ओके जब ये हो जाए, मतलब ये चैप्टर्स हो जाए, अभी नहीं, जब वो इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट चालू हो, इंटीग्रेटेड मतलब दो चैप्टर मिक्स हो गए, जब दो चैप्टर खत्म होंगे मैं आपको एक केस स्टडी आपको अपन देखेंगे, याद है आपको मैंने बताया था ऑलरेडी 10 क्वेश्चन, वो केस स्टडी सॉल्व हो गई ना मां कसम तू नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, फिर तेरे को कोई रोक नहीं सकता भाई, पर वो केस स्टडी आना इज अ स्केलेबल पॉइंट। तो पहले अपन एक बेस रेडी करते हैं ओके, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट रहे जो अपन ने डिस्कस किए, इसको थोड़ा सा अपन एलोबरेट कर लेते हैं लिखने के, इसमें आपको दो पॉइंटर लिख लिए थे, सबसे पहले पॉइंटर क्या लिख, मैं पॉइंटर के ऊपर हूं, मेरे वाले पॉइंटर के ऊपर मैंने पहला पॉइंटर आपको लिखाया था, जो स्ट्रेटजी है ओके वो कौन सी है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, किसके लिए, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर था, ठीक है ओके। दूसरा पॉइंट ओके, अच्छा मैं वापस एक चीज क्लियर कर दू,
आपको पढ़ना किस में से है, मैं वापस समझा दूं क्लियरली, अपन बेस क्या करेंगे, आप बुक में कंफ्यूज मत करना। अगर कोई भी मल्टीपल बुक्स आती है, प्लीज लिसन केयरफुली, तुम्हारा डॉक्टर मैं हूं, डॉक्टर जो बोल रहा है वैसे ही दवाई लो। ओके, एजिथ्रोमाइसिन एक ही बार बोली है तो एक ही बार, दिन में दो बार फटाफट लेके कवर हो जाऊंगा, जल्दी ठीक हो जाऊंगा मतलब नहीं है। ओके, लीवर किडनी खराब होएगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ओके, तो लॉजिक सुन ले, पहला पॉइंट अब ये याद रखिए, ये आपका बेस रहेगा, ये आपका बेस रहेगा, इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, ये किसका एक्सट्रैक्ट है, मॉड्यूल, अपन को इससे बाहर जाना नहीं है। जब ये पॉइंट बोल रहा हूं मैं, थ्योरी इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर भले ही एप्लीकेशन वाइज आए, आपको वो आंसर अपनी मर्जी से ड्राफ्ट नहीं करना है। डोंट क्रिएट योर ओन फार्मिंग। ओके, अपने घर की खेती तैयार करके कोई आंसर मत ड्राफ्ट करिए। आपका जो भी आंसर ड्राफ्ट होना चाहिए वो इस बुक के बाहर नहीं होना चाहिए। ये पहला याद रखिए पॉइंट। दूसरा सर, आप जो नोट्स लिखेंगे या अपन जो पॉइंटर्स लिख रहे हैं, ये पॉइंटर्स, ओके प्लीज डू अंडरस्टैंड, अपनी बैच खत्म होने के बाद आपके पास 3-3.5 महीने रहेंगे एग्जामिनेशन तक। आप जब तक क्लास चलोगे, मेरे साथ रहोगे, अपन मिलते रहेंगे, अपन बात करते रहेंगे, कुछ पॉइंट आया, कुछ डाउट आया, ओके आप मेरे से क्वेरी पूछते रहोगे। एक बार क्या होता है, एक बार अपनी लाइफ में लग जाते हैं, ओके आप दिन में कौन से टाइम पे आप क्वेरी पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोर्ट मैंने आपको बताया है, पर प्रॉब्लम क्या होगा, आपको अचानक कुछ एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, अपन को कुछ पॉइंटर याद नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं करने का। ओके, आपका जो नोटबुक है उसके अंदर मैं इंश्योर करूंगा कि आपके सारे एग्जांपल जो आपको अच्छे से आने चाहिए, समझ में आने चाहिए, कुछ पॉइंटर जो आपको ध्यान आने चाहिए, कुछ पढ़ते वक्त जो शायद रिलेटेड होंगे, वो सारे उस नोटबुक में आ जाएंगे। तो नोटबुक इज योर फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप, ओके नोटबुक का रेफरेंस इज योर सेकेंड स्टेप। अगर कोई बंदा है जिसको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ गए हैं और जो जिसका मेमोरी रिटेंशन बहुत अच्छा है, जो सारी चीजें याद रख सकता है, खत्म है स्टोरी, उसको नोटबुक देखने की जरूरत वापस पड़ेगी नहीं। लेकिन जिसको लग रहा नहीं नहीं भाई यार, मेरे को एग्जांपल वापस याद नहीं आ रहा है, मेरे को कुछ पॉइंटर सर ने बताया होगा, वो सारा पॉइंट इसमें लिख रहा हूं। सर आप कुछ कुछ लिख रहे हो स्क्रीन पे, मेरे को वो भी लिखना था, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये मैंने समझा दिया, अगर मैंने ऐसे कुछ कुछ लिखा हुआ है, ये पूरा बुक का पॉइंट, ये आपको मैं बाद में शेयर कर दूंगा लिखा हुआ पूरा, एक बार मेरा लिख के हो जाने दो पूरा, मतलब जो भी है। और मेरी राइटिंग वैसे कोई बहुत भारी नहीं है, जो खूबसूरत है, देखने लायक है, मेरी राइटिंग में मुझे भी कभी कभी भरोसा नहीं होता, लेकिन ओके डेफिनेटली ओके समझ में आ जाती है, तो ये शीट मिल जाएगी। पर ये शीट है ना, मतलब आप, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मन में रिसोर्स बहुत सारे होंगे आपके पास, लेकिन इसका मतलब ये सब जगह फंसते मत जाना। क्लियर एंड प्रिसाइज, बात खत्म, पहले ये आप मेरे साथ क्लास में करोगे, कवर करोगे, क्लास में खत्म करोगे इसको, दैट्स इट। ओके, क्लास में कवर करनी है, इसके बाद सर इसको वापस देखना है क्या? ओके, मेरे हिसाब से इसके बाद है ना वापस इसमें एमसीक्यू देखने के लिए, करने के लिए ठीक है, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज, इसके बाद आपका जो टेस्ट सीरीज वाला ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ओके, जो आपको मैंने बताया कि भाई हर चैप्टर की और क्यूमुलेटिव टेस्ट सीरीज होगी, वो एडिशनल काम आपने करना चाहिए। ओके, अपन जो टेस्ट सीरीज कवर करेंगे उसी को प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज होगा वो इसका इसी कॉम्बिनेशन पे वर्क करेगा। ये कैसे वर्क है मालूम है क्या? ये मॉड्यूल है, आरटीपीज है, जहां पर आपको कुछ ना कुछ आंसर ढूंढने मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज का आंसर ढूंढ के बता, मतलब मैं दूंगा सजेस्टेड आंसर, टेंशन मत ले, पर मैं बोल रहा हूं आप ढूंढ के, मतलब ये प्रॉब्लम रहेगी टेस्ट सीरीज में, तो टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करने की, बस दैट्स इट। और सर उसके बाद भी मेरे को अगर राइटिंग हैबिट्स और करनी है, मैं ऑलरेडी क्लास में जितना चाहिए उतना लिखा रहा हूं, उसके बाद ये आंसर को लिख रहे हैं, आपने देखा होगा जो वॉल्यूम 2 है, देखो उसमें ब्लैंक आंसर्स मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव एंड थियोरेटिकल। अब वॉल्यूम 2 देखोगे तो उसके अंदर हर चैप्टर के इसमें आपको तीन पार्ट मिलेंगे, एक होगा एमसीक्यू, दूसरा होगा आपको दूसरा क्या मिल रहा है आपको, नहीं क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन ही है वो। ओके, दूसरा नाम क्या मिल रहा है, डिस्क्रिप्टिव सिनारियो बेस्ड, और तीसरा क्या मिल रहा है, डिस्क्रिप्टिव, एंड लास्ट पॉइंट है एडिशनल एमसीक्यू। एडिशनल एमसीक्यू कभी कभी कोई रिपीटेटिव हो सकता है मालिक, क्योंकि एडिशनल एमसीक्यू मेरे कंपाइलेशन से निकला है, वो आरटीपी पुराने क्वेश्चंस, ओके सारा कंपाइलेशन करके एडिशनल एमसीक्यू बनाया, तो हो सकता है आपके जो एमसीक्यू और एडिशनल एमसीक्यू मैच हो जाए, ठीक है। लेकिन जो आपका लिखने का प्रैक्टिस, जो इधर आप लिखोगे, इधर जो आपका लिखने का तरीका होगा आंसर का, वो आंसर का तरीका उधर लिखा होना चाहिए। आपको आंसर कैसे लिखना है, अगर आपका क्वेरी आ रहा है कि सर मेरे को आंसर ड्राफ्ट कैसे करना है, तो मैं तेरे को ये वॉल्यूम 2 काय के लिए करा रहा हूं। वॉल्यूम 2 लिख रहे हैं अपन काय के लिए, आंसर ड्राफ्टिंग, हाउ योर आंसर शुड बी प्रेजेंटेड इन योर पेपर, दैट्स इट। ओके, तो आंसर ड्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट आपका वॉल्यूम 2 से होगा। और तीसरी चीज, ओके जो मैं क्लास में लिखा रहा हूं, मैं वापस बोल रहा हूं, आपका जो नोटबुक बनेगा,
वो नोटबुक का मेन एजेंडा एक ही है, जब वापस आप पढ़ने बैठो और आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद नहीं रहा तब जाके नोटबुक को रेफर करने का, और किसी को हैबिट है लिखने के साथ में, मेरे वो तो लिख ही रहे, बस ये पॉइंट करिए। इसके बाद सर चार्ट आएंगे, चार्ट अप्रोक्सीमेटली आपको 5-7 दिन के अंदर सारा वो क्योंकि वो मिल जाएगा, ओके, उसका सॉफ्ट कॉपी भी आ जाएगा, सॉफ्ट कॉपी चाहिए अरे देखना है, पर चार्ट कब देखने का, खाली रिवाइज करते वक्त। और मैं आपको बता रहा हूं ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा हूं। स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट बोलता है, ओके प्लीज लिसन केयरफुली, स्टूडेंट बोलता है अभी आज मेरा क्लास हो गया उसके बाद लाइब्रेरी में जाएगा, लाइब्रेरी में और पंचायती देखेगा, क्योंकि लाइब्रेरी में अपन बाकी सब काम छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब काम करते हैं, ओके, और पंचायती में तेरे पास कौन सी नोटबुक है, तेरे पास कौन सी बुक है, तेरे पास कौन सा है, और अपन कलेक्शन करते रहते हैं। अपनी वो फीलिंग होती है ना, अपने को वो फियर ऑफ मिसिंग आउट वाली फीलिंग होती है, फोमो, कि अपने पास वो बुक नहीं है। पर बहुत जन क्या करते हैं, वो बुक की फोटोकॉपी बना लेंगे और अपने पास रख लेंगे, कोई अलग ऑथर की बुक होगी, कोई और अलग क्लास की बुक होगी, अपन ऐसे 1760 की कंपाइलेशन बना लेंगे और घंटा एक पेज नहीं पढ़ते अपन, यही करना है, उनमें से कोई पेज ही नहीं पढ़ना है, तेरे को सिर्फ कंपाइलेशन करना है। तेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मेरे को फियर ऑफ मिसिंग आउट है इसलिए तू रख ले, मैं कसम से बोल रहा हूं तेरा भाई, तू एक प्रिंसिपल ही ध्यान रख, तेरा डॉक्टर तूने जिसको पकड़ा ना उसको सही तरह से पूछ, वो सब कुछ तेरे को बताएगा। तू जितने डॉक्टर भटकेगा उतने तेरे प्रॉब्लमेटिक इशू आएंगे, ओके, डॉक्टर भटकना कब चाहिए, जब डॉक्टर सही नहीं हो, तो पहले डॉक्टर को प्रूव तो करने दो, तुम डॉक्टर को प्रूव तो करने दो, तुम साला उसके पहले ही 3-4 डॉक्टर को पूछ लेते हो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और आज के डेट में तो यूट्यूब में भी आता है, ओके, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन लास्ट 1 मंथ, फिर उसके बाद एग्जाम, तूने वो वीडियो देखा और तुझे समझ में आया 1 मंथ में कैसे करने का, फिर तेरे को 15 दिन तो ऐसे ही वीडियो देखते देखते टाइम निकल गया, क्योंकि इंस्टाग्राम की रील और वीडियो में तो टाइम निकला, फिर 15 दिन के बाद तेरे को लगा कि अभी 15 दिन ही बचे हैं, और एक गूगल और एक यूट्यूब सर्च मारा हाउ टू स्टडी इन लास्ट, वो वीडियो देखते देखते तेरे को समझ में आया कि 15 दिन में कैसे करने गया, पर तू कुछ किया नहीं, अब बचा लास्ट, कल एग्जामिनेशन है, हाउ टू स्टडी, तेरे को एक ऐसा वीडियो मिलेगा हाउ टू स्टडी FM and SM इन 1 डे, वो वीडियो मैं ही डालूंगा, और उसमें मैं तू जैसे ही क्लिक करेगा वीडियो में निकले गाली मिलेगी, जाके पढ़ाई कर ऐसा वीडियो निकलेगा। तो मालिक मैंने क्या बोला, बुक का कंपा, बहुत सारी बुक्स मत बनाओ मालिक, अब जितनी ज्यादा बुक बनाओगे ना तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, तो बेस मैं वापस बोल रहा हूं, देखो मैं इसमें 5-10 मिनट डाला क्योंकि ये कंफ्यूजिंग बहुत होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें फंस जाते हैं, बेस ये वाला, जब भी आपको डिटेल पढ़ाई करनी है, ओके, जनवरी खत्म हुआ वापस मैं देखो स्टार्टिंग में वापस आपके 7वें 8वें लेक्चर में क्लियर कर रहा हूं, ओके, लास्ट डे भी बताऊंगा, लेकिन ये चीज क्लैरिटी पे रखो, ओके, आपने बाद में भाई मैंने सोचा 5 दिन में SM खत्म करना है, बाद में इसमें से पढ़ने का, आपने सोचा नहीं भाई फरवरी के बाद मेरे को रोज SM खाली एक बार गो थ्रू हो जाना चाहिए, मेंटली बोलते हैं ना ऐसा, तो उसके वीडियो क्लिप आपको YouTube पे मिल जाएंगे, मैं बना के दूंगा जैसे ही अपना चैप्टर खत्म होगा, चार्ट आएगा चार्ट से बना के दूंगा, आपके पास 2 ऑप्शन है, मेरी शक्ल से पक नहीं गए होंगे तो वीडियो देखते सुनते जाइए, और पक गए होंगे कान पे लगाइए बाजू में रख दीजिए, शक्ल मत देखिए, आवाज जो आवाज से पक गया था उसके ऑप्शन है नहीं भाई तेरे पास, पर मैं बता रहा हूं तेरे को ऐसा लग रहा है, पर तेरे को बता रहा हूं तू बाद में ना ये आवाज मिस करेगा बेटा, ऐसे आवाज 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 वाला पॉइंट है बस, ओके, तो आवाज आवाज बहुत भयंकर दम है, तो रिवीजन का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाता, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला क्वेश्चन बैंक, क्या वापस इस पे सॉल्व करते बैठने का टाइम पास नहीं, क्लास में कर लिया, तेरे को कुछ लग रहा है कोई पॉइंट पे है तो तू कर ले, बट टू द एक्सटेंड इसके बाद क्या सॉल्व करते बैठने के, टेस्ट सीरीज, भले वो आपने क्लास में दिए बट बाद में भी वापस सॉल्व करना रहा तो क्या करने का, टेस्ट सीरीज, ऑटो पेपर वही सॉल्व करते जाने का वापस, ओके, और RTB MTB आएंगे तो मेरे साथ वीडियो बनाते रहोगे आप साथ में अटैच करते रहेंगे, बस वो करते जाइए बात खत्म, इससे ज्यादा आप हेडेक मत करिए, बस मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना बस, तो अपन 100 नोट बना रहे हो, तुम जो भी बना रहे होंगे ठीक है, तुम्हारे हिसाब से बनाओ, मेरे हिसाब से बना रहे, उसको इससे रिप्लेस मत करो, आपकी बाइबल यही है, यही आपको पढ़नी है, याद रखो, इज दैट पॉइंट क्लियर, तो 100 नोट्स खाली इजी टू रीड या रेफर उसके कॉन्सेप्ट से रखिए मालिक। तो पहला पॉइंट आपका मैंने लिखा है स्ट्रेटजी इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर कौन सा मैनेजमेंट अलर्ट, दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है स्ट्रेटजी जो होती है वो स्ट्रेटजी फ्लॉलेस
क्या लिखा मैंने, स्ट्रेटजी फ्लॉलेस नहीं होती, ये क्लियर है। तीसरा पॉइंट लिखिए, डालिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एक मिनट ऑनलाइन लोगे, एक मिनट फोटो निकाल रहा हूं मैं। अरे फोटो पेट अंदर रख के मैडम फोटो, हाँ पेट आना चाहिए ऐसा। जो मारा था, हाँ ओके। तीसरा पॉइंट डालिए, CA इज, CA का फुल फॉर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इज हैविंग मार्केट शेयर और प्रॉफिट्स मोर देन, क्या वर्ड है, CA कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज हैविंग मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट्स मोर देन इंडस्ट्री एवरेज, कंपनी एवरेज नहीं, इंडस्ट्री एवरेज। इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे अलग करते अपन, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा या इंडस्ट्री बड़ी? ओके मेरे को बताओ, एक इंडस्ट्री में क्या बहुत एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होती है? यस, और वो कॉम्पीट करती है। अपन अक्रॉस इंडिया में क्या कर रही है नहीं देखते, अपन इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं ये देखते हैं। अपन जब भी कंपेयर करते हैं अपन इंडस्ट्री में कंपेरिजन किया जाता है। चौथा, सीसी इज नॉट, सीसी इज नॉट एन इंडिविजुअल, सीसी का फुल फॉर्म कोर कॉम्पिटेंसी, इज नॉट एन इंडिविजुअल फीचर्स, इज नॉट एन इंडिविजुअल फीचर, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशंस, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशंस 5 to 15 फैक्टर्स। सीसी इज नॉट एन इंडिविजुअल फीचर, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन 5 to 15 फैक्टर्स विच आर यूनिक एंड विच आर यूनिक एंड, और एक वर्ड क्या होगा, इमिटेट हो सकती है या डिफिकल्ट टू इमिटेट या कैनॉट इमिटेट, पक्का ना? अगर कोई इधर बैठ के बोलेगा कैनॉट इमिटेट, तू सबसे बड़ा चोमू है। ओके और याद रखना, ओके डिफिकल्ट टू इमिटेट होने चाहिए, ओके तो याद रखना एंड डिफिकल्ट टू इमिटेट। सर क्या वो मेरे फीचर्स को कॉपी कर सकता है? यस, पर उसने क्या कॉपी नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, कोर कॉम्पिटेंसी नहीं रहे, मैंने क्या कल समझाया था ना यार, मेरा वो फीचर कॉपी करे, मेरे मेरे गाड़ी में अगर मसाज सीट है तो मसाज सीट कॉपी कर ले, लेकिन मेरा अगला नया वर्जन आएगा ना वो कॉपी नहीं होना चाहिए। R&D क्या बोलते हैं उसको अपन, R&D, थोड़ा सा वर्ड याद रख लेना, R&D साइकिल, क्या बोलते हैं, R&D साइकिल। तो ब्रैकेट में डालिए, फीचर्स कैन बी कॉपीड, फीचर्स कैन बी कॉपीड बट, फीचर्स कैन बी कॉपीड, तोड़ मालिक तोड़, फीचर्स कैन बी कॉपीड बट क्या कॉपी नहीं होना चाहिए, R&D साइकिल। R&D का फुल फॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइकिल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइकिल कैनॉट बी कॉपीड। चौथा पॉइंट क्लियर, ठीक है। पांचवा, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए। ओके जो आपको आता है बस आपको थोड़ा सा एलोबरेटेड आंसर में मेरे को लिखना है। स्ट्रैटेजी बनाने वाले कौन, बनाने वाले कौन, मैनेजमेंट नहीं ना, शब्द मैनेजमेंट ही है पर कौन से नाम, एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट नहीं, तीन नाम है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, एवरीबडी क्लियर, ठीक है। मेरे को आप सोच समझ के बताइए, कॉर्पोरेट लेवल कुछ भी स्ट्रैटेजी बनावे, एक्चुअली स्ट्रैटेजी अचीव करने का काम किसका है, कॉर्पोरेट का या फंक्शनल का? ओके मेरे को बताओ, कस्टमर के नजदीक कौन रहता, तो
जो स्ट्रैटेजीज है उसको अटेनेबल बनाने की जिम्मेदारी किसकी? फंक्शनल। तो मेरे को बताओ, सोच समझ के बताओ, विजन कौन बनाएगा, कॉर्पोरेट या फंक्शनल? पक्का? ओके, क्या ऐसा हो सकता है? लेट टेक एन एग्जांपल, आप सब मेरे लिए बिजनेस या फंक्शन वाले हो और मैं कॉर्पोरेट हूं और मैं कुछ विजन बनाता हूं और मैं आपको बोलता हूं झक मारो, लेकिन आपको ऐसा ही काम करना पड़ेगा, क्या मेरा सक्सेस होने की संभावना ज्यादा या फेलियर होने की संभावना ज्यादा? क्यों ऐसा आपको लगता है कि मेरे फेलियर होने की संभावना ज्यादा? क्योंकि मैं बहुत रिजिड हूं मेरी चीजों में। मेरे को आप बताइए, ओके, मैं और एक तरीका बताता हूं। मैंने आपको विजन शेयर किया मेरा और मैं एक्चुअली आपको पूछा, ओके, मेरे को बताइए क्या ये पॉसिबल है क्या, ओके, और आपने कुछ सजेशन दिए और अपना विजन मैंने मॉडिफाई किया, मेरे को बताइए फर्स्ट वाला सिनारियो जो मैंने आपको पहले बताया या सेकंड वाला सिनारियो कौन सा ज्यादा सक्सेसफुल होगा, फर्स्ट या सेकंड? एवरीबॉडी फर्स्ट या सेकंड? पक्का फर्स्ट या सेकंड? सबको जेब में सेकंड है, बरोबर है? अच्छा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं क्या बोला मैंने, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। मैंने विजन बनाया और मैंने आपको बोला ओके, जो है जो उखाड़ना उखाड़ लो, लेकिन मेरे को ये विजन चाहिए ही चाहिए। और दूसरा है, मैंने विजन आपके साथ शेयर किया और आपसे मैंने ग्राउंड वर्क पूछा कि भाई क्या ये पॉसिबल है क्या, कुछ ऊपर नीचे है क्या, क्या है क्या नहीं है, इसके मैं एग्जांपल देता हूं आपको, और फिर आपने मुझे फीडबैक दिया और मैंने अपना विजन को थोड़ा मॉडिफाई किया, ओके, कौन से इसमें सक्सेस होने की ज्यादा ज्यादा वाला पॉइंट है, फर्स्ट या सेकेंड? पक्का? ठीक है, मैं एग्जाम्पल वाइज और एक देते हो, लास्ट टाइम एग्जाम्पल वाइज लास्ट पॉइंट, ओके, इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं लास्ट एग्जाम्पल में। मैंने बोला अगले साल में मेरा विजन, एक छोटा सा विजन रखते हैं एक साल का, मुझे अगले साल में 500 करोड़ प्रॉफिट चाहिए। कितने करोड़ प्रॉफिट चाहिए बेटा? 500 करोड़ प्रॉफिट चाहिए, लेकिन ये 500 करोड़ प्रॉफिट के लिए मुझे 5000 टन, ओके, कुछ तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, ओके, मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, मैं करूंगा या मेरा प्रोडक्शन वाला करेगा? प्रोडक्शन वाले के पास टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पूरे साल की 4000 टन है, वो डबल भी शिफ्ट में काम करेगा तो भी नहीं कर सकेगा। कुछ समझ में आया मालिक? अब मेरे को बताओ, अगर मैंने बोला तेरे को ऐसा ही करना है जैसे ये पॉइंट है, बात खत्म, ओके, मेरे को बताओ क्या ये अचीव होगा मेरी? तो अब मेरे को बताओ मैंने क्या करना चाहिए? मैंने 5000 बता दिया, फिर मैंने किससे बात करनी चाहिए? प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन ने मेरे साथ इन्वॉल्व होना चाहिए? तो मतलब सुन लो, प्रोडक्शन वाला क्या मेरे को इनपुट देगा? मेरे को बताओ प्रोडक्शन वाले, आप प्रोडक्शन वाले हो, आप क्या सजेशन दोगे मुझे? सर पॉसिबल नहीं है, मैक्स टू मैक्स 4000। तो आप मुझे ऐसा बोलोगे हम अचीव ही नहीं करेंगे? नहीं, आप मेरे को क्या बोलोगे? सर एक्सपांशन करते हैं, ओके, मुझे और एक फैक्ट्री साइट लगेगी, मुझे और पैसा लगेगा, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, मैं डेफिनेटली 4000 का 5000 या इंस्टॉल कैपेसिटी ज्यादा, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स कितने टन प्रोड्यूस करने के है? 4000। अगर आप मेरे को इनपुट देते हो, पैसा देते हो, रिसोर्स देते हो, मैं 5000 करूंगा, क्या ये सही मेथड है? तो मेरे को बताइए फर्स्ट या सेकंड मेथड, कौन सा मेथड सही है? एवरीबॉडी क्लियर? मैं वर्ड बोल रहा हूं, वर्ड में से पकड़िए, और ये आपका पांचवा पॉइंट है जिसको आपने बेस बनाना है। एक वर्ड है विजन शेयर्ड और एक है शेयर्ड विजन, कौन सा बेटर ऑप्शन है? एक है विजन शेयर्ड और एक है शेयर्ड विजन। पक्का? What is the meaning of vision shared? Vision बनाया किसने? Corporate ने, और वो vision किसको दे दिया? Functional पे। और shared vision में क्या होगा? Vision बनाया भले ही होगा, लेकिन क्या वो functional को भी involved करेगा? दोनों में से कौन सा better? पक्का? आज के date में आपको ये follow करना ही पड़ेगा और आपको यही base रखना है, shared vision होना जरूरी है। ठीक है, ये पांचवा पॉइंट है, ओके, इसी के अतिरिक्त में एक और एक पॉइंट मेरे को समझाइए। तो इसका मतलब मेरे को बताओ स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए मेरी, रिजिड होनी चाहिए या फ्लेक्सिबल होनी चाहिए? पक्का? अगर मैंने स्ट्रेटजी को रिजिड बना दिया तो मेरा प्रोएक्टिव तो रह गया, रिएक्टिव नहीं कर पाऊंगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, पांचवा पॉइंट अपडेट कर दीजिए, शेयर्ड विजन, पांचवा पॉइंट, कॉन्सेप्ट पक्का समझाना, शेयर्ड विजन, ओके, शेयर्ड विजन, शेयर्ड विजन, SHARED, शेयर्ड विजन इज ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर, शेयर्ड विजन इज ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर, इज ऑलवेज प्रिफर्ड ओवर क्या, क्या वर्ड? विजन शेयर्ड। अब किसी को कुछ और एडिशनल आपको लिखना रहा, आप लिख सकते हो, जैसे शेयर्ड विजन क्या होता है, विजन शेयर्ड क्या होता है, वैसे ये बार बार आएगा तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि लिखने की जरूरत है। अगर आपको किसी में से किसी को लगता है नहीं, नहीं भाई मेरे को याद नहीं रहेगा, तो विजन शेयर्ड के नीचे लिख देने का, विजन शेयर्ड के नीचे क्या लिखोगे?
विजन शेड, विजन बनाने वाला कौन? कॉर्पोरेट, और वो बोल देता है ये एक फॉलो करने का है। और शेड विजन के इसमें क्या होगा? सब लोग मिलके विजन बनाएंगे। आप बस ऐसे याद रखिए, सब लोग मिलके विजन बनाएंगे। भारत माता की जय। झेपा मलिक, इधर कोई दिक्कत? ठीक है, आपके नोट्स में ये काम हो गया। ओके, अगर आप इसमें और तीन चीजें ऐड ऑन करना चाहते हो, कौन सी तीन चीजें ऐड कर सकते हो? नहीं नहीं, तीन चीजें कौन सी? नहीं, पॉइंटर्स खत्म हो गए, पॉइंटर्स को क्लोज करो। आपको तीन और चीज अगर आपको नोट्स में लिखनी है तो ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये आप घर पे जाके इसको लिख सकते हो। कौन सी तीन चीजें? ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन। ओके, ये आपको काम आ जाएंगे रिवाइज करने के लिए वगैरह वगैरह, व्हाट एवर आप मेथड यूज करो। आत्मा क्लियर? मेरे को ये कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है क्योंकि मेरे लिए ओके है, मेरे को रटाने का मेरे को मालूम है कैसा है। ओके, अब आ जाओ टेक्स्ट बुक में। नोटबुक बंद कर दो, नोटबुक आपको रखनी रखो, टेक्स्ट बुक में आ जाओ फटाफट। टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक वॉल्यूम वन। जैसे मैंने बोला टेक्स्ट बुक मतलब वॉल्यूम वन। मालिक आगे वॉल्यूम वन पे। ओके, आपका पेज नंबर 1.1 से चालू होता है अपना, 1.1। ओके, 1.1 पे आएगा मालिक। सब लोग आ गए, एवरीबडी। अच्छा, अपना आइटम कब है? मई 24 याद है ना? ठीक है, हो सकता है वो जून में हो, नहीं हो, अपन एज्यूम कर रहे हैं मई 24 है। अरे अपना पेपर कौन सा है? ओके, 1 2 3 4 5 6, यानी आखिरी पेपर है, यानी साला जाते जाते दम निकलेगा। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, पांचवे पेपर के बाद ऐसा लगेगा कब खत्म होगा, और उसके बाद ना पेपर देने का मन भी नहीं करता। यहां बहुत खींच के रखना भाई, क्योंकि ये पेपर है जो आपको तारेगा, समझ में? तारेगा, तारे 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 दिखाएगा नहीं, तारेगा, तारेगा। ओके, और मैं आपको बता रहा हूं, आपको लगता होगा देखो आखिरी आखिरी में जाता है ना, तो अपने को लगता है कब खत्म हो जाए, पांचवे के बाद ऐसा बोर होने लगेगा। ओके, जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा, पांचवा पेपर, अपने को लगेगा खत्म है भाई, खत्म है, खत्म है, अभी तो नहीं हो तो हाई लाइव ऐसा है, फिर खींच के, मतलब उस टाइम पे हम लोग रहेंगे, मैं भी रहूंगा, प्रशांत सर भी रहेंगे, यूट्यूब पे एक्टिव रहना भाई, साथ में रहना, साथ में खत्म करेंगे, अनलेस एंड उस दिन दिवाली ना हो। नहीं, जैसे इस आइटम में दिवाली थी। ओके, इस आइटम नहीं, नहीं, इस आइटम में दिवाली थी भाई, मैं कुछ नहीं कर सका। दिवाली के दिन भी जाता ना, मेरे बापू है ना, मेरे को मार डालता। ओके, मेरा बापू बोलता भाई तो क्या, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें, तो भाई अपन साथ में रहते हैं, कनेक्टिविटी रहते हैं। ओके, वर्चुअली प्लीज मेक श्योर यू सस्टेन द लास्ट पेपर। सवाल आता है लास्ट पेपर की बात करें तो, लास्ट पेपर अपन अप्रोक्सीमेटली 6 पेपर्स है, अपन ऐसे एक अंदाजन डेट लेते हैं, कौन से डेट को चलो था अपना, 1 तारीख बोल रहा है कोई, 2 तारीख बोल रहा है, अपन अंदाजन लेते हैं 2 तारीख, 2 को चालू हुआ तो आखिरी पेपर कब होगा? अच्छा, अपने को कैलकुलेशन भी नहीं आता, कैलकुलेशन भी नहीं आता, 2 को पहला पेपर होगा, 4 को होगा, 6 को होगा, 8 को होगा, 10 को होगा, 12 मई को अपना खत्म होगा। एवरीबडी 12 मई के बाद है ना, तब तक आपको लगेगा कब खत्म हो पेपर, पेपर कब खत्म हो, कब खत्म हो, कब खत्म हो, कब खत्म हो। ओके, आपको लगता है मैं फिर 12 तारीख के बाद जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैं टीवी देखूंगा, मैं ये देखूंगा, मैं इधर घूमूंगा, मैं उधर घूमूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, ओके, पेपर खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा बोर आपको ही होगा, तो फिर उस टाइम पे भी तो कुछ पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, रखनी चाहिए, ये पेज उस दिन पढ़ना। समझ में आया? इग्नोर कर पहला पेज, पहले पेज को इग्नोर कर, हेडेक मत करना, मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़ना है। जिस दिन तू बोर हो जाए, तेरे को लगे बोर हो रहा भाई मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, तो जाके मैनेजमेंट पढ़, मैनेज होगा। ओके, दूसरे पेज पे आइए, दूसरे पेज पे आने के बाद, ओके, सबसे पहला पॉइंट आता है। ओके, आराम से, आराम से कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा मैं, जिधर हाईलाइट करने बोलूंगा उधर हाईलाइट रखना जरूरी है आपको, उसके 2 कारण है। अपना पेपर पैटर्न कितने मार्क्स का? 50। ओके, और याद रखना आपको पेपर 2 सेट मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर 1 ही सेट मिलेगा, लेकिन आंसर शीट आपको 2, एफएम की अलग, एसएम की अलग। और मैं आपको अभी से बता रहा हूं, अपना जो चालू होगा वो क्वेश्चन 6 7 8 9 10, क्या क्वेश्चन देंगे? 6 7 8 9 10, कितने क्वेश्चन दिखे? 5। पहला क्वेश्चन, ओके, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी 5 मार्क का, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 किसका रहेगा? एफएम दे दो प्रशांत सर को, मेरे पास नहीं है, मेरे पास कौन सा क्वेश्चन से चालू होगा? क्वेश्चन 6। 99.99% एफएम में यही मॉडल रहना चाहिए आपका,
ओके 99.99%। तो क्वेश्चन सिक्स अपना चालू हुआ। क्वेश्चन सिक्स पहला क्वेश्चन होगा जो रहेगा 5 मार्क का, जिसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक होगा 3 मार्क का और एक होगा 2 मार्क का। कंपल्सरी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन सिक्स में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फिर आएगा क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, 10, अटेम्प्ट एनी 3, एंड पर क्वेश्चन विल बी ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, 10। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क का रहेगा। तो यानी आगे ऑप्शन कितने मिले, 4 क्वेश्चन, और 4 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3। ओके, और हर क्वेश्चन के साथ आपको ऑप्शन मिलेगा ए बी सी, 3-3 क्वेश्चन के ऑप्शन आपको मिलते जाएंगे। केस स्टडी बेस, ओके, 4 मार्क 4 मार्क 2 मार्क, या 6 मार्क 2 मार्क 2 मार्क, या 6 मार्क 4 मार्क, ये कुछ भी ऑप्शन निकल सकता है। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे एक क्वेश्चन के, 6 के ऊपर कोई मार्क नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा 8 मार्क का कोई क्वेश्चन होगा, 6 मार्क इज मैक्सिमम। हाउ इंस्टीट्यूट विल डिसाइड 6 मार्क्स देना है कि नहीं देना है, अब देखना क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का क्रैकिंग पॉइंट। एक बार अपन चैप्टर 1 खत्म होता है, चैप्टर 1 के बाद अपन चैप्टर 4 खत्म करेंगे। जैसे चैप्टर 4 खत्म करेंगे, फोर्थ कौन सा है, स्ट्रैटेजी, एक पेपर उठाएंगे, अब देख लेना कोई पेपर उठाते हैं अपन, एक अटेम्प्ट आप बताना, उसमें अपन स्ट्रैटेजी के ऊपर उठाते हैं, उसके आंसर कंपेयर नहीं करने के, मैं आपको बता रहा हूं पुराना सिलेबस का आंसर और आपका आंसर चेंज है, चेंज आंसर ही चेंज है, बिगेस्ट ब्लंडर। अभी मेरे को नवंबर 23 और मई 24 में बहुत बार स्टूडेंट ये पूछते हैं, सर अब मैं हमको बताइए अमेंडमेंट क्या है, मैं बोला भाई साहब अमेंडमेंट नहीं है, चेंज ही है, मैं ऐसा फिल्टर नहीं कर सकता, पहले ये क्वेश्चन थे, मैं आपको ऐसे पॉइंट बता रहा, मतलब जो पुराने सिलेबस में पढ़ा होगा उसका आंसर कुछ अलग आएगा और आप जो पढ़ोगे आंसर अलग आएगा। सर ऐसा कैसा, जैसा मॉड्यूल बोल रहा है वैसा करने का अपने को, बात खत्म है, तो आप इस पॉइंट पे वर्क करोगे। अब जो मैं हाईलाइट करने आपको बोलूंगा, ये हाईलाइटिंग वाले एक तो कीवर्ड होंगे जो थियोरेटिकल आंसर में होने चाहिए, और दूसरा अगर कोई छोटा सा आंसर है मैंने हाईलाइट करने बोला, ये 2 जगह रोल प्ले करेगा। पहला जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, जो 2 मार्क के लिए आता है उसके लिए रोल प्ले करेगा, और 1 MCQ के लिए रोल प्ले करेगा, क्लियर कट। तो आप थोड़ा सा कॉशियसली स्केप्टिकली काम करिए, घबराइए मत करिए, ओके, आपके पास टाइम है, सब कुछ है, मैनेज करिए, अच्छे से क्लोज करिए। तो पहला पॉइंट, जब मैं बोल रहा हूं पहला पॉइंट स्ट्रैटेजी के ऊपर बात चल रही है, तो कुछ कुछ पंचायती दी हुई है, द वेरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ द आइडिया ऑफ स्ट्रैटेजी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इंटेंडेड टू अनरेवल द कॉम्प्लेक्सिटी एंड टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी कॉज बाय द चेंजेस इन एनवायरमेंट। ठीक है मालिक, ओके, यानी यार ये लोग बता रहे कि भाई अपने एनवायरमेंट में चेंजेस है उसको अडेप्ट करना जरूरी है, मैं वापस बोल रहा हूं, ओके, देखो थोड़ा सा कभी कोई कुछ पॉइंट पे रिपीटेड लगेगा, लेकिन ये क्लोज करिए आपके एंड पे, आपके एंड से आपकी बुक ये बेस है, इसको कलरफुल हो जानी चाहिए। ओके, अगला पॉइंट, स्ट्रैटेजी सीक्स टू रिलेट द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मींस ऑफ अचीविंग देम। ओके, मतलब क्या है मेरे को बताओ, स्ट्रैटेजी सीक्स टू रिलेट द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या स्ट्रैटेजी गोल्स है, नहीं, स्ट्रैटेजी एक ऐसी चीज है जो गोल्स को अचीव करने में मदद करती है। यानी मेरे को बता, पहले बताओ, पहले गोल सेट करो या स्ट्रैटेजी पहले बनाओ, गोल, और वैसे भी आपको ये सीक्वेंस याद होना ही चाहिए, बस याद रखना, तो भाई एमसीक्यू वॉट एवर, स्ट्रैटेजी और गोल, पहले क्या आएगा, गोल, याद रखिए, ठीक है। अब वर्ड आता है जो रेड कलर में, ये तो आपने हाईलाइट रखना ही रखना है, स्ट्रैटेजी इज द गेम प्लान दैट मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यूजेस टू टेक, वर्ड याद रखिए, मार्केट पोजिशन, कंडक्ट इट ऑपरेशन, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, कंपीट सक्सेसफुली एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कुछ तो ऐसी चीज है भाई, मार्केट में कंपीट करना, हमें मार्केट चाहिए, हमें कस्टमर चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन करवाना है कस्टमर को, और हमें कंपीट करना और हमारे ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है, टर्मिनोलॉजी ठीक है। ओके, अगला पॉइंट आपको ऑलरेडी हाईलाइट करने बोल दिया था, अगली लाइन ये हाईलाइट कर दिया आपने, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी, मैंने जो हाईलाइट किया वो हाईलाइट कर लीजिए, खत्म करिए आगे, बड़े बेटा मैं वापस बोल रहा हूं, ओके, हो सकता है, ओके, 1000 लोग में से ऐसा 50 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर ये मैं खुद घर पे कर सकता हूं, तो तू घर पे जाके कर, ओके सर, हो सकता है इसमें से 1000 में से 900 लोग होंगे जो बोलेंगे घर पे जाके कर सकता हूं, घर पे जाके कर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं करवाऊंगा, मेरा एजेंडा क्लियर है, ओके, अगर एग्जम्पशन और 80 मार्क तक अपन नहीं पहुंचे मतलब ही नहीं है फिर क्लास लेके,
अगर अपने को खाली वो 50 में से 20-25 ही लाने थे तो तू खुद पढ़ के ला सकता भाई। अपना टारगेट क्लियर है, एफएमएसएम को स्कोर कर 80 तक पहुंचा। रैंक ट्राई करना है, रैंक ट्राई कर सकता है दोनों ग्रुप देने वाला, सिंगल ग्रुप देने वाला भाई साहब। ओके, अपने को टोटल टारगेट करना है 150 अगर मैं मार्क्स की बात करता हूं, और उसमें अगर अपने को एक हाथ सब्जेक्ट भी एज मिल गया तो दूसरे सब्जेक्ट की कहानी तो आराम से मैनेज होती है मालिक। तो ध्यान रखना, ये हाईलाइट करके रख। इसके बाद ये दो नाम को इग्नोर कर अभी के लिए। एक नाम क्या दिख रहा है आपको? आइगोर एनसॉफ एंड विलियम ग्लोएक। ओके सर, आपको एक याद है मार्केट पेनिट्रेशन, क्या चार नाम बता दे? एंड लास्ट वाला क्या? डाइवर्सिफिकेशन। ये चारों बताने वाले। ओके आइगोर एनसॉफ। अच्छा, उसके ऊपर की बाप स्टडी चार कौन सी? उसके ऊपर और चार नाम क्या थे? उसके ऊपर चार, उसके ऊपर स्टेबिलिटी, एक्सपांशन, रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टमेंट एंड कॉम्बिनेशन। ये बताने वाले विलियम ग्लोएक, ग्लूक एंड लॉरेंस, ये दो के कॉम्बिनेशन है। इसीलिए जब तक उनकी स्ट्रेटजी पूरी अच्छे से नहीं समझते ना, तो डेफिनेशन में जाएंगे अपने वैसे जनरलाइज लगेगा, छोड़ दीजिए। ओके, अब आते हैं आपके एमसीक्यू और टेक्निकल और थियरी वर्ड, सुनिए बेहतरीन वे से। ओके, पहला इंपॉर्टेंट नोट इज दैट स्ट्रेटजी इज नो, आगे वाला हाईलाइट कर दोगे मालिक? ठीक है। इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट स्ट्रेटजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल। सारे वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। स्ट्रेटजी परफेक्ट भी नहीं होती है, फ्लॉलेस भी नहीं होती है, ऑप्टिमल भी नहीं होती है। भारत माता की जय। बॉस इंपॉर्टेंट अगला वर्ड, ये सब एमसीक्यू और दो मार्क की कहानी है भाई। आपको सारे आंसर आ गए लेकिन कॉन्सेप्ट बिठाते जाइए। ओके, अगला वर्ड, इट इज इन वेरी नेचर ऑफ स्ट्रेटजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक टू टेक केयर ऑफ सडन इमरजेंसीज, प्रेशर्स एंड अवॉइड फेलियर्स एंड फ्रस्ट्रेशन। मेरा पहला क्वेश्चन, फ्लेक्सिबल मतलब क्या? फ्लेक्सिबल मतलब क्या? चेंजेस को अडेप्ट करना। प्रैग्मेटिक मतलब क्या? प्रैक्टिकल, वो चीजें को समझता है। प्रैग्मेटिक का मतलब क्लियरली वो अंडरस्टैंड करता है, ऐसा नहीं है थियोरी बता रहे हैं, आप थियोरी वाइज जा रहे हो। प्रैक्टिकल का मतलब वो सम सॉल्व करना नहीं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में काम करता है वो। तो मेरे को बताओ, स्ट्रेटजी इज फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल? प्रैग्मेटिक और नॉन प्रैग्मेटिक? ओके, स्ट्रेटजी इज फ्लॉलेस, समझ में आया? पूरे वर्ड्स को एमसीक्यू में ध्यान रखना, कौन सा वर्ड किधर किधर से आया, पूरा ये पैराग्राफ मां कसम तेरा गेम कर देगा। इन ए साउंड स्ट्रेटजी अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशन एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। ठीक है, डन, खत्म करो इसको। अगला पॉइंट तो ये क्लोज कर सकते हो, आप ही खुद छोड़ दो। इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड बाय तीन मैनेजमेंट, कौन से? कॉर्पोरेट, डिविजनल, फंक्शनल। ओके, स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? ओके, ब्लेंड है। Okay, अगला एक पैराग्राफ अच्छे से पढ़िए, खत्म करिए। स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। अ कंपनी स्ट्रेटजी इज टिपिकली ए ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इंप्रूव कंपनीज मार्केट पोजिशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन इन ए डायनामिक बिजनेस एनवायरमेंट। अगर आपको उसके नीचे फोटो दिख रहा है तो बहुत मजेदार है, किसी को ये मीम पता है तो भाई साहब स्ट्रेटजी उसके साथ ऑलरेडी है जो है प्रोएक्टिव, प्लान्ड स्ट्रेटजी। रिएक्टिव स्ट्रेटजी मार्केट में, रिएक्टिव स्ट्रेटजी। तो मेरे को बताओ स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, खाली प्रोएक्टिव क्या रहे है? Blend of proactive and reactive, right? जिसको भी समझा गुड इनफ, जिसको नहीं समझा कोई टेंशन नहीं है, इट्स गुड। ओके, एकदम अच्छी चीज है, ऐसा नहीं समझना भी अच्छी चीज है, घर वाले खुश होंगे। ओके, लेकिन यस मालिक, सर एग्जाम में फोटो नहीं आएगा ना? अगर एग्जाम में ऐसा फोटो आया, यस मालिक, हा मेरे को रिएक्टिव है क्या? एक बंदा पूछ रहा है भाई आपके पास रिएक्टिव है क्या? भाई मेरी प्रोएक्टिव भी, मेरी प्रोएक्टिव नहीं थी, मेरे घर वालों की प्रोएक्टिव थी। भाई मारवाड़ी परिवार से है, पॉसिबल है ही नहीं अपने पास।
अपने पास में तो अपने बापू का क्लियर कट वर्जन है। मैं तो आपको बताऊं, मेरे बापू इस लेवल पे है कि वो मेरे को आज भी क्लियर कट बोलते हैं कि एंश्योर करना आदित्य और रितिका डोंट एंटर इनटू लव मैरिज। वो मेरे को बोलते हैं, मैं उनको नहीं बोलता बच्चों को। अरे यार कहां से मेरे को रितिका मेरे कंट्रोल में रहेगी यार, मैं भी नहीं चाहता ना। और मैं लिटरली मैं क्यों नहीं चाहता, क्योंकि मेरी लाइफ तो मेरे डिसीजन बहुत सारे मैंने लिए हैं शादी का छोड़कर, लेकिन बाकी डिसीजंस में पापा इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन शादी के इसमें तो भाई उनके इसमें। और मैंने लॉजिक भी ये लगाया था, सिंपल है, ठीक है भाई, ओके भाई उन्होंने किया, कल कुछ ऊपर नीचे हुआ तो क्या। अपना कोई टेंशन नहीं होता, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि हम दोनों बहुत अलाइन मिले, ओके, मतलब ऐसा कुछ रिएक्टिव की जरूरत नहीं पड़ी, प्रोएक्टिव अपनी बहुत बेहतरीन निकली। नहीं नहीं बहुत है, कभी एक आध दिन अवन चार्टर 2 और 3 में जाएंगे तब बताता हूं मैं आपको एनालिसिस केस में। ओके सुनिए, क्या बोला क्या क्या चिमनी चिमनी क्या क्या, मेरे को समझा नहीं आवाज, छोड़ मैंने, कोई टेंशन नहीं मान। अब मेरे को बताओ, सुनिए सुनिए, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, मैं आज जो डिसीजन लेता हूं क्या वो मेरे पास्ट के बेसिस पे लेता हूं? तो मैंने जो डिसीजन ऑलरेडी ले चुका हूं क्या वो भी स्ट्रैटेजी मानी जाएगी? मेरे को बताया, आज मैं एसएम पढ़ा रहा हूं, क्या एसएम पढ़ाने के पीछे कुछ मेरी पास हिस्ट्री है? क्या क्या पास हिस्ट्री है? ऑल टुगेदर मैं ईआईएस एसएम में था, मैं जो ईआईएस एसएम में था उसी की पास हिस्ट्री मेरी आगे जा रही है। तो मेरे डिसीजंस पास हिस्ट्री के बेस पे निर्भर होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या पास हिस्ट्री के इसमें एम आई हैविंग ए बैकग्राउंड ऑफ माय ओन स्ट्रेटजी? यस, ओके, नाउ थिंक लॉजिकली एंड टेक्निकली, डू टेल मी एवरीवन, डू टेल मी नाउ इफ आई डिस्कस दैट फ्यूचर में मुझे और स्टेप्स लेने हैं तो क्या मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस मुझे फ्यूचर में काम करेंगे? तो मेरा प्रोएक्टिव प्लानिंग किसके ऊपर निर्भर है? पास्ट एक्सपीरियंस। तो क्या मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी स्ट्रेटजी है? एक नया शब्द आपको मिलेगा, इसको अपन बोलते हैं अबंडेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? वर्ड चाहिए, वर्ड चाहिए, अबंडेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट। अबंडेंट मतलब पास्ट है, हो चुका है, अभी उसको अपन कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए अबंडेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट बोले जाते हैं जो पास्ट है। अगर आप देखो एक डायग्राम नीचे दिख रहा है, वो अच्छा वाला डायग्राम देखो नीचे, ओके, अबंडेंट स्ट्रैटेजी एलिमेंट कौन से हुए? कंपनी का एक्सपीरियंस, उनके पास नो हाउ रिसोर्सेज है, उनके स्ट्रेंथ है, उनके वीकनेस है, उनकी कैपेबिलिटीज है, ये सब डिसाइड की हुई है, अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट। ओके, अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, मेरा क्वेश्चन ये है। ओके, टू अंडरस्टैंड, क्या क्या टू अंडरस्टैंड, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि मैं भविष्य की स्ट्रेटजी बना सकूं। तो मेरे को बताओ, शुड आई बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? पहला स्टेप प्रोएक्टिव, पर प्रोएक्टिव किसके ऊपर निर्भर रहेगा? अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट, मेक इट क्लियर, ये याद रखना वर्ड, प्रोएक्टिव एलिमेंट्स आर बेस्ड ऑन अबंडेंट स्ट्रेटजी एलिमेंट्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अबंडेंट? अबंडेंट मतलब ऐसे मत करो उसको निकाल दिया अपन ने घर से, निकाल नहीं दिया, जो ऑलरेडी स्टेप्स ले चुके हैं, जो ऑलरेडी स्टेप ले चुके हैं उसके बेस पे आप प्रोएक्टिव रहते हो। तो आप याद रखना, इसी के बेस पे, इसी के निर्भर पे प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी एलिमेंट आएंगे। कौन से? न्यू इनिशिएटिव प्लस ऑनगोइंग स्ट्रेटजी एलिमेंट्स कंटिन्यूड फ्रॉम प्रायर पीरियड्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रायर पीरियड्स? अबंडेंट। ओके, और आगे दिख रहा ना मालिक, दिख रहा क्या एवरीबॉडी? ओके, अब मेरे को बताओ इसके नीचे क्या है? एडेप्टिव रिएक्शन टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, ये कौन से है? रिएक्टिव। ये डायग्राम समझा क्या? और अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो आज जिस पे अपनी कंपनी निर्भर है इसको हम बोलते हैं लेटेस्ट वर्जन ऑफ कंपनी स्ट्रैटेजी, विच इज कॉल्ड विच स्ट्रैटेजी बेटा? तो शब्द निकालो, 3-4 शब्द निकालो, मेरे को बताओ। पहला प्रोएक्टिव क्लियर, रिएक्टिव क्लियर, प्रोएक्टिव बेस्ड ऑन एनालिसिस, बट एनालिसिस इज कॉल्ड विच स्ट्रैटेजी? अबंडेंट स्ट्रैटेजी। एंड इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, द करंट स्ट्रैटेजी विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव विल बी कॉल्ड एज एक्चुअल स्ट्रैटेजी। तो 4 शब्द दिमाग में रखो, या तो ऊपर नीचे कहीं पर भी नोट्स में लिख दो। 4 शब्द नाम कौन से? 4 शब्द कौन से नाम? अबंडेंट स्ट्रैटेजी, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी एंड एक्चुअल स्ट्रैटेजी। तो एक्चुअल स्ट्रैटेजी का फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव। ओके,
प्रोएक्टिव कहा जाएगी, अबंडेंट स्ट्रैटेजी प्लस न्यू अपॉर्चुनिटी, अबंडेंट स्ट्रैटेजी प्लस न्यू अपॉर्चुनिटी, और रिएक्टिव इज कंसिडरिंग एनवायरमेंट। ओके, याद रखना, पर चार नाम चाहिए, बस चार नाम लॉजिकली बिठा दो। चार नाम कौन से बिठाए आपने? ऊपर लिख दिया ना मालिक, ऊपर लिख दिया ना सबने। ओके, प्लीज हाँ मालिक, ओके आपको लग रहा होगा, ओके ये पर है, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, अपने हाथ से एक भी मार्क चोमू की वजह से जाना नहीं चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट ने कोई औकात अपने से एक्स्ट्रा दिखाई तो ही मार्क्स जाने चाहिए, अदरवाइज मेरे को एक मार्क्स भी एक्स्ट्रा जाना नहीं चाहिए भाई मेरा। ओके, मतलब इंस्टीट्यूट को दिखाने दो कि भाई इंस्टीट्यूट की औकात अपने से ज्यादा है, वो लेवल पे आने दो ना भाई पेपर। तब तक नहीं आना ना, तब तक एक भी पॉइंट नहीं। ओके, अपन वो स्केल पे काम कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट, ये चारों वर्ड पक्का बैठ गए, ठीक है। इसके पहले वाला पैराग्राफ छोड़ा है, पढ़ना पढ़ लो, देख लो, कोई फर्क नहीं है। इसके नीचे आ जाओ, एक छोटा सा पॉइंट, ये पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं, हाईलाइट कुछ भी मत करो, खाली पढ़ के खत्म करो। 10, स्ट्रेटजी पार्टली इज डेलिबरेट एंड प्रोएक्टिव, स्टैंडिंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ मैनेजमेंट एनालिसिस, स्ट्रेटजिक थिंकिंग अबाउट द कंपनी सिचुएशन एंड इट्स कंक्लूजन अबाउट हाउ टू पोजिशन कंपनी इन द मार्केट प्लेस एंड टैकल द टास्क ऑफ कॉम्पीटिंग फॉर बायर्स का पैट्रोनेज। अपन कैसे खरीद सके यार, बायर का फेथ कैसे खरीद सके, इसके लिए हम प्रोएक्टिव काम करते हैं। लेकिन लेकिन नीचे वाला पॉइंट दिया है, हाउएवर नॉट एवरी स्ट्रेटेजिक मूव इज द रिजल्ट्स ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड डेलिबरेट मैनेजमेंट डिजाइन, थिंग्स हैपन दैट कैन नॉट बी फुली एंटिसिपेटेड और प्लान्ड फॉर। समझ में कुछ आया? थिंग्स हैपन दैट कैन नॉट बी फुली एंटिसिपेटेड और प्लान्ड फॉर व्हेन मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन टेक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न और सम एक्सपेक्ट of the company strategy hits a stone wall, some kind of strategic reaction or adjustment is required. Hence, partially a company strategy is always developed as a recent response to unforeseen development in the business environment as well as situations within the firm. मेरे ख्याल से ये point clear है सबके लिए, ठीक है। Okay, इधर तक छोड़ दो, इसके बाद वाला ठीक है, इसके बाद वाला paragraph पढ़ो, एक बार पढ़ो, खत्म करो। क्राफ्टिंग अ स्ट्रैटेजी दस इन्वॉल्व्स सिलाई करना, स्टिचिंग टुगेदर क्या, प्रोएक्टिव बेस्ड ऑन प्रायर सक्सेसफुल एक्सपीरियंस एंड देन अडेप्टिंग पीसेस ऑफ सक्सेसफुल रिएक्शंस एज द सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द कंपनी सिचुएशन चेंज और बेटर ऑप्शंस इमर्ज, अ रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। ओके, उसके बाद वाला पैराग्राफ इग्नोर कर सकते हो, उसके बाद वाला डिस्कशन अपना ऑलरेडी हो गया है, कैचअप ब्रांड वाला, अगर आपको मालूम होगा, ठीक है। इसके बाद वाला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ओके अभी के लिए उसको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। मेरा पहला क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी शुड बी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? प्रोएक्टिव, ब्लेंड होना चाहिए। मैंने अगर आपको ऐसा ही पूछा है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, आपका आंसर क्या आना चाहिए? ब्लेंड। दोनों में से कौन सी बेहतर? मैंने ऐसा पूछा नहीं। चार मार्क का क्वेश्चन, आंसर लिख के बताओ, वॉल्यूम 2 निकालो, आंसर बताओ मेरे को। ओके, लिखना मत, मैं लिखाऊंगा आंसर, आप लिखना मत फालतू में, मतलब तुम कौन सा लिख के आओगे भगवान जाने। मेरे को थियरी आंसर, जो डायरेक्ट आंसर है उसकी बात कर रहा हूं पहले, तो चर्चा वॉल्यूम 2 में जाइए, वॉल्यूम 2 में जाइए और पेज नंबर 1.7 पे चौथा क्वेश्चन आइए, फोर्थ क्वेश्चन 1.9 है क्या? अच्छा, तो शायद मेरे पास वो पेजेस आपका लाइन ज्यादा छोड़ा होगा, तो मेरे को बताइए पेज कौन से इस पे, ये 1.9 पे होगा। मैं इसका वर्जन, एक सेकेंड, टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है, मैंने ही नहीं लिया। वाह वाह, बढ़िया, प्रोएक्टिव नहीं अपन रिएक्टिव है, अपन को कोई टेंशन नहीं रही लाइफ में, लाइफ का एकदम प्रिंसिपल अपना एकदम तोड़े, और वो प्रिंसिपल मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, मैं पहले दिन सिखाना नहीं चाहता। ओके, नहीं, लॉजिक सिंपल है भाई साहब। ओके, लाइफ में एक पैसे का टेंशन लेना नहीं चाहिए लाइफ में। ओके भाई साहब, जो चीज अपने हाथ की नहीं है, कौन सी चीज अपने हाथ की नहीं है, क्या समझा अपने को? एनवायरमेंट। उसके बारे में चिंता करके क्या करोगे? आईसीआई आपके हाथ में नहीं है, जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसकी चिंता करके क्या करोगे? ओके, आज आपका चिंता का विषय नहीं है, आप आने दो, मार्च आने दो, आपको मालूम पड़ेगा क्या फटेगी। आज जिस स्पीड से आप काम कर रहे हो ना, मार्च में आपकी स्पीड खतरनाक हो जाएगी, नीचे आग लगेगी।
और तू बैठा रहेगा भाग रहा रहेगा, तब उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या आएगी? तो हमको ये समझना है, तुम आईसी के बारे में सोच के भी क्या कर लोगे? जनवरी में रिजल्ट आने दो, तुम्हारे ग्रुप जो रहेंगे उसमें से कुछ जन नहीं निकलेंगे, कुछ निकलेंगे, जो निकले ओके यू विल बी वेरी हैप्पी, निकल गया भाई, जो नहीं निकले उस पे ज्यादा एम्फसाइज होगा, देख लेना, क्योंकि अपने को डर लगता है कि भाई यार ये नहीं निकला तो अपना क्या है, हमने अरे अपना बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आएगा। तो सर क्या है उसका? कुछ नहीं कर सकते तुम, तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ ये कंप्लीट करना है बस। तो जो तुम्हारे स्ट्रेंथ है उस पे काम करिए। तो ये एक मेरा मॉडल है, मैं टिल डेट में आपको बता रहा हूं, मतलब मैं पहले का भी बता रहा हूं, पहले का भी अप्रोच अमित तादर का सेम था, आज भी अमित तादर सेम है। मैंने ना डिसीजन लेने में कभी डरा हूं ना कुछ किया हूं, डेफिनेटली सीए बनने के बाद, इवन सीए बनने के पहले भी होते थे, लेकिन डेफिनेटली पापा रोल प्ले करते थे यार मेजरली। अभी आप बोलोगे सर आपने तो अभी बताया शादी का है, शादी का डिसीजन मेरे को ऐसा, मेरे को कोई कनेक्टिविटी इसलिए ज्यादा कंसर्न नहीं था क्योंकि मेरे को किसी से प्यार तो हुआ ही नहीं। अगर किसी से प्यार हुआ होता तो शायद लड़ता, लड़ने मतलब कुछ तो होना चाहिए था ना, रिएक्शन होना चाहिए था तो कुछ होता था, तो भाई नहीं ठीक है भाई कुछ ऐसे बचपन का प्यार, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं था रे, ऐसा कॉलेज में एक आध बार देख के कुछ ऐसा लगा था, पर ठीक है अलग बात है, वो कॉलेज की कहानी अलग बात है, लेकिन कुछ है नहीं। पर मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं जब 2005 में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, 2006 में आई ज्वाइन पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर्स कूपर, मैंने एक साल पीडब्ल्यूसी में काम किया, मतलब 1.5 ईयर अप्रोक्सीमेटली स्टैट्यूटरी ऑडिट, मैं वहां पर एचयूएल का ऑडिट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का ऑडिट, मैं वहां पर नोवार्टिस ग्रुप ओके जो मेडिकल में है, सैंडोज ग्रुप कैल्शियम वाला अगर आपने सुना होगा, इनके ऑडिट्स में था स्टैट्यूटरी ऑडिट्स। उस टाइम पे आई वॉज ए सीए, आई क्लियर माई सीएस, आई वॉज सीए में इंटरमीडिएट, जिसमें सीए फाउंडेशन में रैंक आया था, सीएस इंटर में दोनों जगह रैंक आया है, और सीए में इंटर क्लियर हो चुका था, मैं सीए में फाइनल के लिए ड्यू था। और लिटरली बता रहा हूं मेरा लाइफ का टाइमिंग जो पीडब्ल्यूसी ऑडिट में था, सुबह हम लोग 9 बजे कैसे भी इन, मतलब इन होते थे, रात को 2 या 3 बज जाती थी बाहर निकलते निकलते काम से, मतलब इतना काम होता था, और प्लान्ड नहीं होता ना ऑडिट में, तो ऐसा ही सिनेरियो होता था, आप पकड़ के चलिए बिग फोर में जाने के बाद यही हाल होता है। तो हम लोग को लगता था बहुत मेहनत करता हूं मैं, हम लोग मतलब हमारी टीम को ऐसे बहुत मेहनत करते अपन, और एक टीम थी, और एक टीम पीडब्ल्यूसी में स्पा टीम करके, नाम पे मत जाना, स्पा, स्पा का फुल फॉर्म था सिस्टम प्रोसेस एश्योरेंस। वो टीम में मेरा एक कलीग था तुषार करके, अब तुषार मतलब मैं आपको बता रहा हूं लिटरली 11 बजे एंट्री मारता था और शाम को 4-5-6 बजे 4-5 के रेंज में कल्टी हो जाता था। हम लोगों को लगा साला हम सेम स्टैट्यूटरी ऑडिट में काम कर रहे हैं, हम भी वही टीम में काम कर रहे हैं, हमारी टीम का ही तुषार मेंबर है, खाली उसका डिपार्टमेंट स्पा है, हमारा डिपार्टमेंट एक एरिया दिया गया था, कैसे मतलब कैसे हम दोनों का इतना डिफरेंस आ रहा है यार, वो बंदा आ रहा है चला जा रहा है। फिर मैं थोड़ा सा पता किया कि उस बंदे के पास है क्या स्किल्स, तो वो बताया मेरे को कि वो सीए ही है, मतलब दूसरा डिग्री नहीं है सीए ही है, लेकिन सीए के साथ में सीसा क्वालिफाइड है, सीसा, सीसा करके सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, सिस्टम ऑडिट के बारे में है। तो सिस्टम एंड प्रोसेस एश्योरेंस किसके बारे में था? सिस्टम ऑडिट। फिर मेरे को ऐसा फीलिंग था अंदर के अंदर, उसकी सैलरी कम होगी, अपनी सैलरी बहुत ज्यादा होगी, अपनी सैलरी तभी 2005 में, मतलब 2006 में मेरी सैलरी थी 50,000 पर मंथ, मतलब अपना 6 लाख का पैकेज था, तो 6 लाख के पैकेज में मैं ये सोचता था ठीक है उसको कम थी। फिर ऐसे ही कैजुअली थोड़ा कंफर्ट जोन आया, उससे पूछ लिया मैंने तेरी सैलरी कितनी है, कम ही थी उसकी नहीं मेरी, उस भाई साहब को ओके वो मेरे साथ वाला बंदा, मतलब मेरे साथ ईयर में पास हुआ बंदा है, खाली उसने सीसा पहले कर लिया था, मेरे साथ में बंदा पास हुआ है, 14 लाख था उसका पैकेज और मैं 6 लाख में रो रहा था, मतलब दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया, मैं बोला कर क्या रहा हूं मैं, मतलब ये तो ये बेटर ऑप्शन है ना यार, मैं इधर सीए सीए सीएमए मैं बोल रहा हूं प्राउड फीलिंग मां कसम तोड़ कर रहा हूं मैं, बाद में मालूम पड़ा इधर सीए सीएस करके मेरे से डबल पैकेज लेके जा रहा है, और मैं आपके एज के टाइम का सोचो जब पैसा बहुत मैटर कर रहा था। आज मैं एक बार छोड़ दे, छोड़ना यार ठीक है ना यार, एक गया एक बैच गया छोड़ना यार, एक गाड़ी गई क्या इससे ज्यादा टेंशन होता, मतलब मेरा आज का इन्वेस्टमेंट पैटर्न वैसा है। तो उस टाइम पे तो मैटर किया, फिर मेरे दिमाग में आया भाई सीएमए में छोड़ो घुसो कौन सी डिग्री में सीसा, फिर साल अपन गए सीसा में, फिर गए डीसा में, तो सबसे पहले मैं डीसा क्लियर किया अंडरस्टैंड करने के लिए, 9 मंथ का कोर्स था, 9-10 मंथ का कोर्स था, वो क्लियर हुआ उसी टाइम पे जब पीडब्ल्यूसी एंड हुआ, फिर डीसा क्लियर हुआ और सीसा की एग्जाम साथ में दी और मैं क्लियर हो गया सीसा भी, और फिर मैंने पीडब्ल्यूसी में मेरी जो सीनियर है, मतलब मेरी जो हेड थी आशा रामनाथन, ओके आशा रामनाथन अभी वो पार्टनर है पीडब्ल्यूसी में, मेरे टाइम पे वो एसोसिएट डायरेक्टर थी 2006 में, अभी तो पार्टनर लेवल पे है,
तो मैंने उनसे पूछा था, मतलब मैं बोला मेरे को, और उनको बहुत अप्रिशिएट करता, मतलब मेरे को अगर ऑडिट का ए टू जेड जो भी आता है वो सिर्फ उनकी बदौलत, बाकी मेरे को कुछ कुछ भी नॉलेज नहीं था भाई साहब। उन्होंने स्किल्ड अप किया। सीन ऐसा था, मैंने उनको ये बोला कि मेरे को शिफ्ट करो डिपार्टमेंट, मेरे को स्पा में डाल दो। तो आशा ने बोला ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर तेरे को शिफ्ट किया तो दूसरे लोग भी वापस चालू हो जाएंगे और मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इमेजिन करो मैंने क्या किया, मैं बोला मैं कल से नहीं आता। ओके, मैं क्लियर है सर, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब मेरा एटीट्यूड क्या था। मेरा एटीट्यूड ऐसा ही था, जमा तो जमा, नहीं तो गैत ते लेने। और मैं बोला नहीं, नेक्स्ट डे से नहीं आता। तो आशा ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, इतना काम बचा हुआ है। मैं बोला 13 दिन आऊंगा, 2 महीने का नोटिस पीरियड था, मैं 13 दिन गया, बाकी सब मैंने उनको बोला सैलरी से काट लो। और ऊपर से पैसे देने पड़े थे, क्योंकि एक महीना मैंने एक्स्ट्रा, 1 महीने के पैसे दिए मैंने एक्स्ट्रा पीडब्ल्यूसी में, और उसके बाद अपन घर पे ही बैठे थे, नौकरी भी नहीं थी, घंटा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तब तक शादी भी नहीं हुई थी। बट आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ, ठीक है भाई यार अपन करेंगे काम अभी आईटी में ही, क्योंकि चाहिए क्या पैसा। फिर सर्च मारा naukri.com, वो monster.com, ऐसे वेबसाइट होती थी तभी। फिर उस पर अपना प्रोफाइल अपलोड किया, फिर भाई साहब ओके, मेरे को सितंबर एंड में एचडीएफसी बैंक से ऑफर आया, सितंबर 2007 में। फिर एचडीएफसी बैंक से ऑफर आया, एचडीएफसी बैंक के इंटरव्यू के लिए गया एंड मिल गया लिंक। आई वॉज ज्वाइंड एज ए मैनेजर इन आईटी डिपार्टमेंट एचडीएफसी बैंक में 2007, 2008, 2009, 2007 का एंड, 2008, 2009 और 2010 जब मैं रिटायर हुआ, रिटायर मतलब मैं निकला उस टाइम पे, ये 3 साल अप्रोक्सीमेटली मेरे कंप्लीट हुए थे। ओके, और 3 साल जब कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट पे थे, तो 3 साल के कैरियर स्पेंस क्या था मालूम है क्या? मेरा पहला ओपनिंग पैकेज कितना था? ओपनिंग पैकेज था मेरा टोटल, मतलब स्टार्टिंग पैकेज वॉज 18 लाख। और उसके अलावा मैं उसमें वो इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, और इमेजिन करो मैं महीने भर से घर पे बैठा हूं, और मेरा पिछला पैकेज जंप, देखो जंप मेरे को तब, ये तब तो आईटी में इंटरेस्ट आया, और जब मैं छोड़ा तब मेरा पैकेज ऑलमोस्ट 28 लाख तक पैकेज पहुंचा था, 28 लाख तक पैकेज था जब मैं 2000, और मैं जो पोजीशन से छोड़ा इट वाज एवीपी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। तो जब मेरा प्रमोशन एवीपी हुआ तो है ना, मेरे को ट्रेनिंग सेशन में डाला गया जहां पर हम लोग ट्रेन करते थे यूजर्स को, और ट्रेन करते करते समझा कि भाई ये मजा आ रहा है। ओके, मैंने बोला टाटा बाय बाय, और फिर टीचिंग में आया। आपको मालूम है 2010 में जब मैंने 28 लाख का पैकेज छोड़ा, मेरा पूरा घर पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, पापा मम्मी मामा मामी, मम्मी का तो कोई टेंशन नहीं था, मामा मामी काका सब आ जाते ना, अरे क्या कर रहा है, क्योंकि तब तक शादी हुई नहीं थी और शादी का प्रपोजल तब से चालू रहा था, क्योंकि तब तक तो मैं पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि मैंने सीए पे काम नहीं छोड़ा है। मेरे पास वो जो मैंने डिग्रीज, मैं मेरे पास जो डिग्रीज लगी है, मेरे को डिग्री लेते लेते टाइम लगा है, तो मेरी सारी पढ़ाई एंड हुई है 2009 एंड 2010 में। बस फिर पापा को बोला काम करो अभी शादी करवा दो, और उसी टाइम पे मैं जॉब छोड़ दी, और जॉब जोड़ के मैंने ज्वाइन किया था जेके शाह क्लासेस, मुंबई के शायद क्लासेस सुने होंगे। और जेके शाह क्लासेस में जैसा मैं आज पढ़ा रहा हूं कि एसएम पूरा पढ़ा रहा हूं, मैं एक बैच हूं, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था उधर, पर आवर पैसा मिलता था पहली बात, और एक चैप्टर मेरे को पढ़ाने मिलेगा एसएम का, और मतलब 20 बैच पढ़ाने हैं मेरे को, 200-200 के 20 बैच, 200 होंगे या 100 होंगे जितने भी होंगे, मैं 20 बैच पढ़ाता था, एक चैप्टर पढ़ाने का, 10 घंटे दिए जाएंगे एग्जाम्पल, और पर घंटे का 500 रुपया स्टार्टिंग, और उसके बाद वो स्किल्ड अप होके 1000-2000 होता है पर घंटे का, तुम्हारा मतलब बच्चे का कैसे पढ़ाते हो क्या है, ये मेरी लाइफस्टाइल थी। यानी मैं उस टाइम पे मर मर के पढ़ाता था, क्योंकि मेरे को तभी पैसा, स्किल्ड अप भी था और मजा भी आ रहा था, नया नया था ना, फुल टाइम, मतलब मैं सुबह 7 बजे निकला घर से, रात को 10 बजे घर पे सुबह, मतलब ये पॉइंट था, मतलब डेढ़, मतलब मैं कहां से स्किल्ड अप करके 1.5 लाख तक मर मर के पहुंचता था। और एचडीएफसी बैंक में सुबह 10 बजे जाता था और 6 बजे घर पे आ जाता था, भगवान का समुद्र। एचडीएफसी बैंक के 3 साल के करियर में सिर्फ 2 दिन है जब 6 के बाद मैं बैठा हूं, भगवान का समुद्र। उसमें भी अरे मेरा बोल रहा हूं, मेरा बॉस इतना खतरनाक था, सुभाष माल्या, नाम देखो क्या है, लेकिन कसम से बोल रहा हूं, सुभाष माल्या हमारा एकदम स्ट्रिक्ट पर्सन था। उसने बोला तू अगर ओवर टाइम बैठ रहा है इसका मतलब तू इनएफिशियंट है। मैंने अपनी लाइफ में उससे वो एक चीज सीखी थी, मतलब इनएफिशिएंट है, 6 बजे के बाद क्यों बैठना पड़ रहा है तेरे को, क्योंकि तेरे को जो काम दिया जा रहा है वो 10 से 6 का ही दिया जा रहा है, इसका मतलब तू 10 से 6 में प्रोडक्टिव नहीं है। और 6 बजे के बाद सीरियसली उसकी टीम में जो भी था ना, 6 बजे के बाद जो बैठा ना उसका पगार कटता ही था। स्टार्टिंग में पहले मेरे को लगता था मजाक कर रहा, फिर जो मेरे साथ वाले थे उनका कटने लगा, फिर मैं छोड़ा। 2 बार सिर्फ, एक बार आदित्यपुरी का इशू आया था, सीईओ ऑफ एमडी, एमडी एंड सीईओ उनका मतलब एक सिस्टम पूरा बंद था 2008 में, गणेश चतुर्थी के टाइम पे पूरे सिस्टम बंद हो गए थे एचडीएफसी बैंक के, तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट हिला हुआ था, पूरा रात हम लोग बैठे थे।
तो एक वो इशू था, बट ये सीन आप इमेजिन करो, डिसीजन लेना, सब घर पे बैठे और मैं आया साला किस पे 12-14 लाख पे वापस, मतलब कहां से 28-30 लाख से, डिसीजन बिंदास लिए अपनी लाइफ में। और मतलब आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ रहा है, आप तो बहुत पैसे वाले होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा मेरे घर पे हम लोग का खुद का पहला घर, मतलब आपको ये लग रहा होगा मेरा खुद का पहला घर, पापा का पहला घर हमने जो बनाया वो 2015 में बनाया, उसके पहले तक हम रेंटेड फ्लैट में रहते थे, पापा सीए मेरे फिर भी, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही हाईली इथिकल पर्सन है, आज भी है, मेरा रिटर्न फाइल करते वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को वही आता है, मैं तुमको लिटरली बता रहा हूं, तुम मजाक समझोगे इस चीज को, ओके ये अगर मैंने फोन खरीदा 1.5 लाख का, 1.5 लाख पे 20,000 जीएसटी है, अभी आप जीएसटी संपड़ रहे हो, मैं बता मैं ये बताना चाहता हूं, ये 20,000 का फोन मैंने 1.5 लाख का फोन खरीदा है फॉर बिजनेस, और 20,000 में माइनस करना चाहता हूं, अभी जो आपकी फीस आएगी वो जीएसटी तो भरूंगा ना उसमें, मैं 1.5 लाख में से ये 20,000 में माइनस करवाना चाहता हूं। पापा बोले ये पर्सनल फोन है, 1 रुपया भी माइनस नहीं होगा, ये मेरा बापू है, नहीं मानेंगे। और मतलब अभी पापा इसमें ज्यादा देख रहे नहीं, सुमित मेंटेन, मतलब सुमित मेरा भाई वो भी सीए, वो प्रैक्टिस करता है पापा के आगे, वो संभल रहा है पूरा मुंबई में, ओके, पर वो कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि वो बोलता है पापा तेरे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मेरा अगर पूरे साल का एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, अगर मेरा पूरे साल का ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर 10 लाख है, मेरा बापू 60-40 रेशियो करता उसको, मैं अगर होता मैं नॉर्मल बोलता, मैं बोला 10 का 10 मारो एक्सपेंडिचर, बापू बोलता है 4 लाख ड्रॉइंग, 6 लाख जाएगा तेरे एक्सपेंडिचर में, बात खत्म, ओके यही होने वाला है, मतलब मैं बता रहा हूं, मतलब ये कहानी है। तो इसकी वजह से क्या है, ओके देखो क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट को ये चाहिए क्या, क्लाइंट को तो 10 का 12 चाहिए, तो क्लाइंट पापा के पास वो रहते थे जो एथिकली वाले थे, बस ये दिक्कत है। तो हमारी लाइफ में ऐसा नहीं था कि पैसा है, पर डिसीजन मेकिंग अपना तोड़ था हमेशा, टेकिंग ए डिसीजन दैट्स इट, ओके। और टिल डेट मैं भी आपको ये समझाता हूं, ऐसा है कि भाई डिसीजन लेने के लिए ज्यादा चिंता नहीं करने का, सोचने का नहीं, ओके डिसीजन ले लेने का, और ऐसे फर्क होते हैं, एवरीबडी विल बी हैविंग ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, माय ब्रदर इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मी, अगर उसको डिसीजन लेना वो 10 जन से पूछेगा क्या करो, इससे पूछेगा क्या करना चाहिए, ये कुछ आंसर देगी, फिर ये सबका इनपुट लेगा वो, उसके बाद भी वो सोचेगा करूं कि नहीं, मैं पहले करता हूं फिर बाद में देखेंगे भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, ज्यादा क्या होएगा, बस ऐसा है। तो मालिक मतलब मैं सीरियसली बता रहा हूं, और मैं ये खाली बोलने के लिए नहीं, यू आस्क एनीवन, जो जो मेरे लिंक में, आपको सब जन का आंसर मिल जाएगा, भाई मेरे डिसीजन मेकिंग का मतलब साला टेक्निकली कोई हाथ नहीं धर सकता, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता अपनी लाइफ में किसी से, ओके अपन ना शर्माते हैं, क्योंकि अपने प्रिंसिपल में क्लियर है, जिसने की शर्म उसकी फूटे करम, ओके अगर आप बोलोगे इसमें से, इसलिए मैंने डे वन पे क्या बोला, मेरी लैंग्वेज ऐसी ही रहने वाली है, मैं कोशिश किया, मैं कसम से बोलो, भगवान कसम बोलो, मैंने एक बैच में ट्राई किया था 3 लेक्चर चुपचाप इज्जत से बोल रहा था, मैं वर्ड अच्छे से यूज कर रहा था, तीसरे दिन मेरे को पागल हो रहा था मैं, चौथे दिन मैंने सर को बोला पॉसिबल नहीं है, या तो मेरे को निकालो या तो मेरे को बनने दो, फिर बाद में ऑटोमेटिकली चीजें ऐसी है। बट वो मतलब वो टाइम ऐसा आ रहा था जब वर्चुअली जाना था, तो वर्चुअल में मालूम है ओके ये वाला सिनेरियो होता है, ओके सो नेवरलेस, ओके इट्स कमिंग बैक टू द एक क्वेश्चन, वो कसम मतलब बताइए, टाइम खत्म है, मैं कर रहा हूं खत्म, मेरे को बताइए इस आंसर का क्या लिखोगे, जो कि 1 लाइन का क्वेश्चन है, 4 मार्क, इतना क्लोज करिए, ओके मैंने आज थोड़ा सा ज्ञान दिया मेरा ठीक है, 5-10 मिनट आगे भी होता है मेरा आगे पीछे, ओके होता है, 7 बजे चालू किए थे, हो गए 12 मिनट, ठीक है बताओ मेरे को 1 मिनट इतना बता दो मालिक, क्या लिखोगे इस केस में, आंसर क्या लिखोगे, 4 मार्क, चाहिए तो टेक्स्ट बुक देख के बताओ मेरे को 2 मिनट में, अगर कुछ टेक्स्ट बुक से लग रहा है, मैंने आपको क्या बोला, इसको छोड़ना है क्या, इसको नहीं छोड़ना है, इसको बेस बनाना, पर इसमें प्रॉब्लम ये कि आंसर दिया नहीं है, ये आपको बनवाना पड़ेगा, तो टेक्स्ट बुक से कहां से बनाओगे आप, ओके इंडिविजुअली, माइक किसके पास है, कोई बताएगा, मतलब यार माइक को ये पॉइंट छोड़ो, मेरे को टेक्स्ट बुक में से कोई फटाफट बता दो ऐसे, अभी टाइम नहीं डालते माइक में, ओके मेरे ख्याल से ये पेज, तो पेज नंबर कौन सा चल रहा है, 1.3 या 1.2, ये दोनों में से आपको उठाना है, ये पूरा लिखोगे 4 मार्क के लिए, इतना
ओके भाई साहब, अपने को 50 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है, वो भी डेढ़ घंटे में, 3 घंटे में नहीं, डेढ़ घंटा मतलब अपने को एफएम में ज्यादा टाइम देना है, एसएम जल्दी करना है भाई। क्या लिखोगे? अबंडेंस स्ट्रेटजी के बारे में लिखेंगे, मैडम का कहना है अबंडेंस स्ट्रेटजी के बारे में लिखेंगे। जो भी कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बारे में बेसिस पे प्रोएक्टिव बनाएंगे, ठीक है। तीसरा, रिएक्टिव के बारे में लिखेंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे, पंचायती, ठीक है। तो ये अपनी घर की खेती डालोगे, मैंने यही समझाया आपको। अब 15-20 मिनट पहले मेरी कहानी के पहले मैंने ये समझाया, आप इससे बाहर जाओगे नहीं ना, मेरे को बुक से आंसर बताओ। जनरली नहीं चाहिए मेरे को, जनरली तो क्या मैं भी लिख सकता हूं, मेरे को बुक का आंसर बताओ। बुक देखो ना, दो पेज तो देखने हैं यार, दो भी पूरे नहीं देखने, डेढ़ पेज देखना है यार, जिसमें से एक में तो फोटो है। देखो एक जगह, यस मैडम कुछ पॉइंट, यानी ये जो स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ वही, ठीक है। यानी एक जगह तो डायरेक्टली आपको आंसर दिखना चाहिए, कहां पर, जो मैंने अभी हाईलाइट किया स्क्रीन पे, कौन सा आंसर? स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, अ कंपनी स्ट्रैटेजी इज टिपिकली ए ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर टू इंप्रूव कंपनीज एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कीवर्ड याद रखिए, प्रोएक्टिव के लिए, प्रोएक्टिव के लिए कंपनीज मार्केट पोजिशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये दो कीवर्ड्स बता रहा हूं। ओके, रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन इन डायनामिक बिजनेस एनवायरमेंट। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? ठीक है, ओके, ये वाला पॉइंट आएगा, बस इतना ही करके छोड़ देने का है। फिर ये हुआ एक आंसर, आगे वाला और कुछ लिखना है? ओके, याद रखिए, अभी इसके बीच में आपको ये मिलेगा, इन अदर वर्ड्स कंपनी यूजेस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, मिला क्या ये वाला पार्ट? ये आपने लिखना है मालिक, मिला मालिक? तो मेरे को बताओ कौन से पॉइंट्स में लिखना है, कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा आंसर को। पहला कॉम्बिनेशन ब्लेंड, ये लिखना पड़ेगा जिसमें दो चीज लिखेंगे। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, ये दो चीज समझ में आई मालिक? ठीक है, इसके बाद ये डायग्राम नहीं बनाना। ओके, बट इसके बाद वाला क्या पैराग्राफ लिखना जरूरी है? यस, प्रोएक्टिव वाला एंड अडैप्टिंग चेंजेस। आत्मा क्लियर? ठीक है, इसके बाद, ओके, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ओके, ये पूरा पैराग्राफ आप कहीं पर भी लिखोगे नहीं है मालिक, कहीं पर भी ये पैराग्राफ नहीं लिखोगे, बस इसको एंड करने के लिए पैराग्राफ का एक कॉम्बिनेशन आपके मॉड्यूल ने दिया है। अपन जो आंसर बनाएंगे वो आपके आरटीपी के बेस होंगे, सजेस्ट आंसर के बेस होंगे और मॉड्यूल के बेस होंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक लाइन में कवर किया है, ओके, जहां पर इन लोग ने ये लाइन में, दस स्ट्रेटजीज पार्टली इज डेलिबरेट एंड प्रोएक्टिव स्टैंडिंग एज द प्रोडक्ट ऑफ मैनेजमेंट एनालिसिस एंड स्ट्रेटजिक थिंकिंग अबाउट कंपनीज सिचुएशन, बट ओके ओनली प्रोएक्टिव थिंग्स हैपन दैट कैनॉट बी फुली एंटिसिपेटेड। ये कॉम्बिनेशन इन लाइन का दिया है स्क्रीन पे, अगर मैं हाईलाइट दिख रहा है स्क्रीन पे, बरोबर स्क्रीन पे हाईलाइट दिख रहा है बरोबर, बस ये पॉइंट आपको जाना चाहिए, दैट्स इट। अगर ये गया, ये आंसर आपका कंप्लीट होता। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, आपका दो होमवर्क रहेगा, सुनिए स्क्रीन पे, ओके, आप आओगे पेंसिल से लिख के लेके आओगे, मेरे को पेंसिल से आंसर चाहिए। ओके, एक है क्वेश्चन टू और एक है क्वेश्चन थ्री, पर कौन सा वाला? टू और थ्री डिस्क्रिप्टिव नहीं, केस बेस्ड सिनारियो। पेज नंबर इज 1.4 एंड 1.5, मिला क्या? एक है यम्मी एंड टेस्टी फूड्स, मिला मालिक? ओके, और एक है रमेश शर्मा, एटलीस्ट थियोरेटिकली नहीं, मैं उस टाइम पे किसी वाले से पूछूंगा इंडिविजुअली, लेकिन मेरे को आंसर का कंक्लूजन अच्छा चाहिए। सी यू मालिक, कल आपका पूरा टाइम एफएम है, तो कल एसएम की बुक लेके मत आना। तो कल अपन नहीं मिल रहे, अपन मिल रहे कब मिल रहे, कौन से दिन पे? बाय, सी यू टुमारो, अस्ता ला विस्ता, मंडे 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 मंडे। तो एसएम का लेक्चर वापस कब है? मंडे। सर इज इट फ्री क्लासेस और डेमो क्लासेस? डेमो क्लासेस, फ्री क्लासेस अभी तक टाइम नहीं आया है।
सेक्शन 8 कंपनी खोला नहीं भाई मैंने अभी तक, बस खोलने की ट्राई करूंगा भविष्य में, थोड़ी सी और इच्छा बाकी है मेरे लाइफ में, और दो चार घड़ियां लेनी है, दो चार गाड़ियां लेनी है, जैगवर नहीं, जैगवर नहीं, अभी अपन ईवी में लेंगे, मस्त लेंगे। अबे ये किधर आ रहा है ये, एक क्या भाई गए हाँ सर, एसएम की वॉल्यूम वन ग्रुप में नहीं है, प्लीज ट्राई टू अपलोड। मालिक मैंने वॉल्यूम वन का चैप्टर वन का डाला हुआ है। समय परचेज कैसे करना है? ओके सर, परचेज करने के लिए पंचायती चोमो नंबर बोलते रह, हाँ सेवन, एक सेकेंड, 7020 16 96 3 8 4। किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ परचेस करना है, यही पॉइंट है, ये इस नंबर से आप कम्युनिकेट कर लीजिए। बोलिए, मैं ऑडिट है ना, है भाई ऑडिट है,